सूर्य तत्व को प्रभावित करने वाले कारक ने यहाँ पर आप चाहे तो कारक को दो भागों में बांट सकते हैं, एक हो सकता है पृथ्वी से संबंधित कारक और एक हो सकता है सूर्य से संबंधित कारक, है ना। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले देखा था किरणों का आपतन कोण, ये बात समझ में आ रही होगी। तीन संदर्भों में हमने यहाँ पर देख लिया था, अक्षांश के संदर्भ में, परिक्रमा के संदर्भ में और घूर्णन के संदर्भ में, है ना। फिर इसके बाद दूसरा कौन सा था, डे टाइम की लेंथ कितनी होगी, और यह भी परिक्रमण गति के साथ ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर तो क्या कि जब आप इंपैक्ट देखोगे तो सबका कंबाइन देखोगे, अगर आप केवल दिन की लंबाई को आप आधार बनाएंगे तो आप कई बार ये कह सकते हो कि सर फोन पर तो छह महीने की दिन होता है, इसका मतलब वहां सूर्य तब बहुत पहुंचना चाहिए, लेकिन फिर होगा कि लंबाई के साथ क्या देखना पड़ेगा, आप तो देखना पड़ेगा, है ना। तो जब भी किसी भी स्थान पर सूर्य तब परिणामी सूर्य तब या प्रभावी सूर्य तब देखेंगे तो हम सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे कि इन सभी फैक्टर्स का संयुक्त प्रभाव क्या पड़ता है, ना। तो दिन की लंबाई, फिर इसके बाद सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, फिर इसके बाद क्या हुआ था, सौर कलंक या सौर धब्बे, इसके बाद वायुमंडलीय स्वच्छता, बताना भाई, है ना, तो बात कर लेंगे, डोंट वरी, वायुमंडलीय स्वच्छता, और फिर ढाल विन्यास। ये दोनों टॉपिक, ये दोनों चीजें कई जगह आएंगी, ढाल विन्यास। अब यहां पर देखते हैं, अगर वायुमंडल की स्वच्छता देखी जाए तो इसका मतलब है कि जो एटमॉस्फेयर है, ऐसे संयोग है तो शायद हम कुछ बातें पकड़ पाए, जैसे इक्वेटर है और यहां पर 23.5 डिग्री ले लेते हैं मान लो, और 90 डिग्री, तो एरिया हम देखते हैं इक्वेटर है। इक्वेटर में चूंकि औसत वार्षिक तापमान ज्यादा होता है, सतह के सामने बना दिया यहां ऊपर बनेगा, तो औसत वार्षिक तापमान ज्यादा होता है, तो वाष्प ज्यादा होता है, तो यहां बादलों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और दूसरी तरफ अगर 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य देखें, चाहे उत्तर में चाहे दक्षिण में, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं, गर्म मरुस्थल, गर्म मरुस्थल की बात है, बस यहां आगे बताऊंगा क्यों पाए जाते हैं, तो इसको लेकर परेशान ना, यहां गर्म मरुस्थल पाए जाते हैं, तो मरुस्थल में बादलों का क्या होगा, अभाव होगा, मरुस्थल में बादल नहीं बनते, और यहां पर बादल क्या होते हैं, बनते हैं। तो इन दोनों जगहों में से कहां पर सूर्य तब ज्यादा मिलना चाहिए, मरुस्थल, क्योंकि जब बादल है तो वायुमंडल पारदर्शी नहीं होता, अर्थात बादल आने वाले सूर्य तक के एक भाग को वापस भी करेंगे एज वेल एज कुछ भाग से अवशोषित करके संग्रहित भी कर सकते हैं। इसलिए जब बादल होता है तो उस समय देखो बादल दोहरा काम करते हैं, दिन के समय अगर होंगे तो ये सूर्य तक को आने से रोकेंगे तो आपको ठंडक महसूस होगी, लेकिन अगर ये रात्रि के समय भी बने रहे तो जो पार्थिव विकरण लौटेगा ना जाएगा वापस, उसको क्या करेंगे, लगा देंगे। तो हो सकता है रात को वो गर्म बनाए रखने का या नीचे टेम्परेचर क्या करें ज्यादा बनाए रखें, राइट। तो जो वायुमंडल में उपस्थित बादल है, वायुमंडल में उपस्थित जो धूल कण आदि हैं, इनका भी प्रभाव क्या है, आने वाले सूर्य तप की मात्रा पर पड़ता है। यही कारण है कि औसत वार्षिक तापमान तो विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है, लेकिन सर्वाधिक सूर्य तप विषुवत रेखा पर प्राप्त नहीं होता, सर्वाधिक सूर्य तप उपोष्णकटिबंधों में 20 से 40 डिग्री के बीच उपोष्णकटिबंधों में मरुस्थलों में प्राप्त होता है, क्योंकि यहां वायुमंडल स्वच्छ रहता है। इसी तरह अगर हम महासागरीय भाग के ऊपर हैं और स्थलीय भाग के ऊपर हैं तो कहां ज्यादा चांस है, एक ही अक्षांश में है तो कहां ज्यादा चांस है सूर्य तप मिले, स्थलीय भाग, क्योंकि महासागर में फिर वास्तव होगा और फिर मेघों का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार वायुमंडलीय स्वच्छता जो है या वायुमंडलीय दशाएं कह सकते हो, ये प्राप्त सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करने के महत्वपूर्ण कारक हो जाते हैं। और ढाल विन्यास सिंपल सी बात है कि वह ढाल पर्वतीय भागों की वह ढाल जो सूर्य के सामने होगी ज्यादा सूर्य तप प्राप्त करेगी, जबकि विमुख ढाल दूसरी तरफ ढाल विपरीत ढाल में सूर्य तप की मात्रा कम हो जाती है, और जिस ढाल में सूर्य तप ज्यादा होगा वहीं पर वनस्पतियां ज्यादा होंगी, वहीं पर आवास के अनुकूल दशाओं का क्या होगा, निर्माण होगा, राइट। तो यहां पर ढाल की अभिमुखता या ढाल का विन्यास भी सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करता है। तो चलिए लिखते हैं, पॉइंट वायुमंडलीय दशाएं वायुमंडलीय दशाएं, ऐसे लिखे, वायुमंडल में मेघों के आवरण तथा धूल कणों आदि की उपस्थिति भी सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करती है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में मेघाच्छादन के कारण सूर्य तप की मात्रा में कमी आती है, जबकि उपोष्ण कटिबंधों 20 डिग्री से 40 डिग्री मान सकते हो, दोनों बराबर, उपोष्ण कटिबंधों के मरुस्थलीय भाग में आसमान साफ होने के कारण अधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। इसी प्रकार महाद्वीपों की ओर चलने पर समान अक्षांश में
महाद्वीपों पर सूर्यातप की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक प्राप्त होती है। एक दो चीजें ऐसे भी कभी जब आप सूर्यातप वगैरह देख रहे हो तो एक आध चीजें कुछ और भी देख लेनी चाहिए, इसमें आप नेट पे और भी चीजें ढूंढ सकते हो। तो यहां पर जैसे देखो एक टॉपिक पड़ा हुआ है, कभी मौका मिले तो आप देख लेना, स्टडी एस्टैब्लिशेस लिंक बिटवीन मानसून एंड डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल को बस थोड़ा बहुत पढ़ के निकाल देते हैं, पॉलिटिकल ड्रामा यहां पर बहुत ज्यादा प्रभाव इसका पड़ता है। द इंडियन एग्रीकल्चर सिनेरियो इज लिंक्ड टू मानसून एज मोस्ट फार्मर डिपेंड्स ऑन द रेन फॉर कल्टीवेशन इन द एब्सेंस ऑफ इरिगेशन, राइट। तो ये सब थोड़ा चीजें देखो कि इन सब का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इसका जो इंपैक्ट होगा वो इंपैक्ट इंसुलेशन के सहारे ही होगा, यहां पर इंसुलेशन के सहारे ही होगा। तो थोड़ा सा ये बातें आप देख लेंगे, ठीक है ना। तो एक होमवर्क के रूप में दिमाग में ध्यान रखना कि जब आप घर पहुंचो तो डस्ट पार्टिकल का जो इंपैक्ट है खासतौर पर मानसून वगैरह के संदर्भ में ध्यान रखना। इस पर कभी भी क्वेश्चन वगैरह बन सकता है। इंडियन मानसून यहां पर थोड़ी बहुत बात करूंगा क्योंकि इसका इंपैक्ट सूर्य तक की मात्रा पर पड़ता है, इसलिए यहां पर इसे जानना जरूरी हो जाता है, लेकिन हम इंडियन मानसून में ज्यादा बात करेंगे। ये हो गया यहां पर वायुमंडल की दशा। नेक्स्ट देखो ढाल विन्यास। तापमान वाले रखकर ज्यादा बेटर होगा, रख सकते हो, इसमें कोई दो नहीं, तापमान वाले रखकर बात करेंगे। नेक्स्ट यहां पर ढाल विन्यास, करके पर्वतीय भागों में भृगु तटी मैराब खांच और बुक। अब बेटा ये जब होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो इसको आप अभी अपनी भृगु तटी मैराब और खांच रखे रहें, ठीक है ना। तो जब हमें जरूरत पड़ेगी आपको बताने की वहां मैं आपको बता दूंगा, अभी टॉपिक से यहां मतलब, ठीक है। चलो पर्वतीय भागों में पर्वतों की वह ढाल जो सूर्य के सम्मुख होती है, मतलब सामने होती, सम्मुख होती है, वह विमुख ढाल की अपेक्षा, विमुख का मतलब जो पीछे होती, वह विमुख ढाल की अपेक्षा अधिक सूर्यातप प्राप्त करती, ठीक है। जो सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। सर शोभ सीमा में एक बार अपने मेज पर रखे ग्लोब में दर्शा दीजिए। चलो दर्शा देते, शोभ सीमा है, शोभ सीमा कैसे होगा, वायुमंडल को बहुत चारों तरफ, राइट। यहां पर वायुमंडल कैसे होगा, ऐसा लेयर होगा ना जैसे ग्लोब बनाते चले जाओ, राइट। तो जब आप इसके ऊपर जाएंगे तो यहां पर मान लो 18 किलोमीटर ऊंचा कावर बनाएगा, ठीक है। अब अर्थ को ऐसे रखो इस तरह से, राइट, यह 18 किलोमीटर ऊंचा कावर यहां पर बना होगा और यहां जो लेयर हो रही होगी तो उसका जो कावर बनेगा ये 18 और उससे क्या होगी नीचे, ठीक है ना। तो ग्लोब को ऐसे रखो और इसके साथ इसको बना करके देख सकते हो, ठीक है। सर जैसा आपने पूर्व कक्षा बताया ओजोन चित्र 300 DU अखबार नासा द्वारा 220 DU, 300 DU से कम ओजोन चित्र है उसे आप रखिए, कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं। महासागर में प्रथम जीव कैसे आया, बेटा ये आपको साइंस वाले से बताएंगे और इसके लिए स्टैनले मिलर का प्रयोग देख लोगे तो आ जाएगा। ये ज्योग्राफी का नहीं है, अकार्बनिक से ही कार्बनिक पदार्थ आए हैं। अकार्बनिक पदार्थों में पहले उनका निर्माण हुआ जो अपने जैसे अन्य अणुओं को क्या कर सकते थे, निर्मित कर सकते थे, उन्हीं से प्रक्रिया में आ गया। तो स्टैनले मिलर का प्रयोग उसे देखोगे समझोगे। तापमान का प्रतिलोम बेटा ये पूरा आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लो, टॉपिक ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहां हो गया सूर्यातप। अब इसके बाद आगे बढ़ने के पहले हम दो तीन चीजें देख लें। एक है लिखो तापमान तथा उष्मा की संकल्पना। तापमान तथा उष्मा की संकल्पना, हाँ, आप लोगों का कल टेस्ट है, ये पहले बता दिया गया, टेस्ट कर लो, फिर मंडे को कोशिश करूंगा पहले आपको सारी भू आकृतियां बता दूं, क्योंकि कुछ लोग भू आकृतियों को समझने के लिए बेचैन दिख रहे हैं, तो सारी भू आकृतियां इकट्ठा बता दूंगा। देखो तापमान तथा उष्मा की संकल्पना, अब दो चीज समझेंगे तब आप उष्मा बजट की तरफ चल पाएंगे, ठीक है। किसी भी वस्तु के ठंडेपन अथवा गर्माहट का बोध होता है। जब हम तापमान लेते हैं तो हमको यह पता होता है कि आखिरकार कोई वस्तु कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, और कोई भी वस्तु कितनी ठंडी या कितनी गर्म होगी यह डिपेंड करेगा कि उसके अंतर्गत हीट कंटेंट कितना है, उष्मा की मात्रा कितनी है। अगर मान लो कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, तो प्रत्येक वस्तु के अपने अणु होते हैं, यहां पर अणु होंगे मॉलिक्यूल्स होंगे, और प्रत्येक पदार्थ के अणुओं की अपनी एक कहा जाएगी इनका अपना एक कंपन होता है जो अपनी माध्य स्थिति पर ये कंपन करते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं। अब अगर कोई वस्तु है, लेट अस्यूम किसी वस्तु को अगर एनर्जी मिल जाए, किसी वस्तु को अगर ऊर्जा मिल जाती है, और एनर्जी किस रूप में हम दे रहे हैं यहाँ पर, हीट के रूप में, तो उसमें भी क्या है एक प्रकार की ऊर्जा। जब इन्हें एक्स्ट्रा हीट मिल जाएगी तब इनके जो कि ऊर्जा से ही क्या होता है, कार्य होता है, राइट। तो जब इनको यहाँ पर ऊर्जा मिल जाएगी तो जो इनका काम है, काम क्या है, कंपन, राइट। तो इनके कंपनों की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी, राइट। इनके कंपनों की दर यहाँ पर क्या है, बढ़ जाएगी। जब कंपनों की दर बढ़ जाएगी तो मतलब इनकी गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, राइट। और जब कंपनों की दर बढ़ती है तो हो सकता है इनके टक्करों की संख्या क्या हो जाए, बढ़ जाए, और टक्करों की संख्या में घर्षण में जो इनसे इनकी एक्स्ट्रा हीट होगी क्या होगी, रिलीज होना शुरू होगी, राइट। और अगर इसी औसत गतिज ऊर्जा को हम माप लेते हैं तो वही औसत गतिज ऊर्जा क्या है तापमान। तो पहली बात, अगर तापमान कोई पूछे क्या है, बाकी पहले कहेंगे कि तापमान से किसी भी वस्तु के ठंडे होने या गर्म होने या उसके ठंडेपन या गर्माहट का बोध होता है जो किसी भी वस्तु के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, औसत गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। फिर दूसरा कर्म है कि उष्मा क्या है, तो सिंपल सी बात है, उष्मा ऊर्जा का एक रूप है,
इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उष्मा ऊर्जा का एक रूप है, यह तब प्रकट होती है, यह तब प्रकट होती है जब किन्हीं दो वस्तुओं के बीच तापमान का अंतर होता है और यह उच्च तापमान से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रकार उष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो तापमान के अंतर होने पर उच्च तापमान वाले से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। उष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो किन्हीं दो वस्तुओं में तापमान के अंतर होने पर उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। और जो ऊर्जा की मात्रा है, कितनी ऊर्जा की मात्रा है, वह प्रकट होगी किसके द्वारा, तापमान के द्वारा। इतनी बात समझ आ रही पहले। अब यहां पर एक चीज देखें, उष्मा कितने प्रकार की हो सकती है, तो पहले हम उष्मा दो प्रकार की देखेंगे। एक उष्मा होती है सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट, इसे हम कहेंगे संवेदनशील उष्मा, संवेदनशील उष्मा। अगर आप समझें कि अगर आपने यहां पर एक ग्लास लिया, बीकर लिया और इसमें आपने पानी भर दिया, इसमें आप हीट दे रहे हैं और यहां आपने थर्मामीटर लगा दिया, अब आपने हीट देना शुरू किया, ये थर्मामीटर बुखार वाला नहीं होना चाहिए, है ना, वो फारेनहाइट में होगा, निपट जाएगा बहुत जल्दी, है ना, तो दूसरा अधिक सोफिस्टिकेटेड थर्मामीटर होगा। और जब आपने इसको यहां पर गर्म करना शुरू किया तो धीरे धीरे थर्मामीटर की रीडिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है। अर्थात जो उष्मा निकाय, निकाय मतलब बॉडी या सिस्टम, जो उष्मा निकाय में पहुंच रही है, उस उष्मा की मात्रा, उस उष्मा की मात्रा को हम थर्मामीटर में बढ़े हुए तापमान के रूप में रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। ये उष्मा जाने पर क्या होगी, ये उष्मा जाने पर इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि हो रही होगी, वृद्धि कर रही होगी, राइट। और इनकी जो गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है वो बढ़े हुए तापमान के रूप में क्या हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है। वह समस्त ऊर्जा जिसे हम तापमापी पर रिकॉर्ड कर सकते हैं उसे संवेदनशील उष्मा कहा जाता है। नाम ही देखो, संवेदनशील, संवेद्य उष्मा, जिसका हम संवेदन कर सकते हैं, और संवेदन किसके द्वारा हो रहा है, थर्मामीटर के द्वारा हो रहा है, राइट। और जितनी ज्यादा संवेदनशील उष्मा यहां पर पहुंच रही होगी उतना ही ज्यादा अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या हो रही होगी, वृद्धि हो रही होगी। इसका मतलब अणुओं की गतिज ऊर्जा और संवेदनशील उष्मा की मात्रा में क्या है, सीधा संबंध है। यह गतिज ऊर्जा बढ़ाएगा और गतिज ऊर्जा जो बढ़ेगी वो किसके रूप में आएगी, टेम्परेचर के रूप में। इतनी बात समझ आए। अगर ऐसा हो जाए, आपने फिर एक फ्लास्क लिया, गर्म किया, थर्मामीटर लगाया, पानी गर्म होने लगा, टेम्परेचर ऊपर पहुंचा और यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, पानी उबलने लगा। अब आप चाहे भले पूरी दुनिया के बर्नर लाके यहां पे लगा दें, आप थर्मामीटर के तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा बढ़ा नहीं पाए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो संवेदनशील है, उतनी उष्मा तो संवेदनशील है, बाकी आप हीट तो दे रहे हैं, कहां जा रहे हैं, गुप्त है, हीट छिप जा रही, छिपी हुई उष्मा जो दिख नहीं रही, दी जा रही है, दिख नहीं रही है। अर्थात वह उष्मा जो थर्मामीटर पर रिकॉर्ड नहीं होगी वो क्या होगी, गुप्त उष्मा। लेकिन हिसाब तो करना पड़ेगा ना, या फिर जाकर रही है। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे कि थर्मामीटर की वैल्यू नहीं बढ़ रही है लेकिन पानी कम होता जा रहा है, यहां पर पानी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब है कि जो ये पानी था कहीं जा रहा है, फ्लास्क लीक न कर रहा हो सकते, तो लीक कर रहा था, निकल रहा, लीक न कर रहा हो, तो अब ये जा कर रहा है। तो अब किसने एक काम किया है, जो आपने हीट दी, पहले तो अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या हुई, वृद्धि हुई। और मान लो ये एक अणु है, ये एक अणु है, इसके बीच यहां पर एक बॉन्ड है, बंधन है, लगा हुआ है, ये दोनों इस पर वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच अनुबंध था कि तुम ये बंधन तोड़ोगे नहीं, लेकिन एनर्जी इसको इतनी मिल गई कि इनके बंधन क्या हुए, टूट गए, ये दूर दूर, अगर दूर दूर हो गए तो कोई रूप ले सकते हैं। अब जो हम ये इनको हीट दे रहे थे, जो संवेदनशील उष्मा थी वो हमको रिकॉर्ड नहीं हो रही है, गुप्त उष्मा, उस उष्मा को लेकर पानी के अणु किसमें बदल रहे हैं, गैस में बदल गए। और जब गैस में बदल रहे हैं तो इन्होंने सतह को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। और जब इतनी हीट जो इनको एक्स्ट्रा मिली थी वो लेकर बाहर चले गए हैं, सिस्टम में वो है ही नहीं, तो रिकॉर्ड कहां से होगी, देखो सिस्टम में क्या है, बाहर चली गई है, उसने क्या किया है, उसने इनकी अवस्था में क्या कर दिया है, परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन कर दिया है। अर्थात अब उष्मा की वह मात्रा, दोनों याद रखो, उष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के कणों की औसत गतिज ऊर्जा में वृद्धि करती है और तापमान के रूप में तापमापी पर रिकॉर्ड होती है, संवेदनशील उष्मा कहलाती है। किंतु जो उष्मा पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त होती है और थर्मामीटर पर रिकॉर्ड नहीं होती है वह गुप्त उष्मा कहलाती है। इतनी बात क्लियर। इसको दूसरी तरह भी समझ सकते हैं कि जो संवेदनशील उष्मा है, संवेदनशील उष्मा ज्यादा तो अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा ज्यादा, गतिज ऊर्जा ज्यादा। और दूसरी चीज, अगर हम ठोस देखते हैं तो ठोस के अणु पास पास हैं, अगर हम लिक्विड देखते हैं तो दूर दूर हैं, गैस ही देखते हैं तो क्या है, सबसे दूर है। और गुप्त उष्मा देने पर क्या हो रहा है, गुप्त उष्मा देने पर ठोस द्रव में बदल रहा है, द्रव गैस में बदल रहा है, या ज्यादा दे दोगे तो सीधे ही ठोस क्या होगा, गैस में बदल जाएगा, जिसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, राइट। इसका मतलब है कि अगर ये गुप्त उष्मा को प्राप्त कर रहे हैं तो यहां अणुओं के बीच दूरी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब गुप्त उष्मा ज्यादा तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी और दूरी बढ़ने पर ये ठोस से द्रव में गैस से एंड सो ऑन हो सकते हैं। अब अगर हम इस चीज को देखें, अभी मैं समझते हैं उसको निकलेंगे नहीं, अगर मान लो ये बर्फ है, पानी, जलवाष्प। अब अगर बर्फ से किसमें कन्वर्ट होगा, पानी, तो बर्फ को क्या करना पड़ेगा, गुप्त उष्मा लेनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। हीट क्या करना पड़ेगा, अवशोषण, हीट का। देखो हमेशा अपनी जिंदगी में कभी ना कभी सोचता है घर से बचा, कभी ना कभी तो मन में आया होगा एन के पकड़ने गिरा करा, राइट। लेकिन भाग क्यों नहीं पता, गति ऊर्जा तो बढ़ती है, दहलीज से कदम जाते हैं फिर कदम वापस खींच लिए जाते हैं, हमें सोचना पड़ता है मम्मी पापा का क्या होगा, भैया का क्या होगा, और फिर उसके बाद सोचना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, है ना, ये दो चीजें हैं। और जब कोई भड़काने वाला इतनी गति ऊर्जा देते कि जो भाई बंधु के साथ बंधन और जो दुनिया वालों का प्रेशर है उससे ज्यादा गति ऊर्जा देते आपकी अवस्था में, और उसको तुष्मा आप अवस्था परिवर्तन कर देते हैं, बॉन्ड टूटने की देरी है, बॉन्ड टूटने पर एनर्जी हमको मिले तो उतनी एनर्जी को अवशोषित करना पड़ता है। जैसे हम कहते हैं कि अगर यहां पर ग्लास में पानी है और बर्फ का टुकड़ा डालो
तो पानी ठंडा क्यों हो जाता है? पानी इसलिए ठंडा हो जाता है कि बर्फ अपने पिघलने के लिए गुप्त ऊष्मा कहां से लेती है? पानी से। और जो हीट लेती है उस हीट का उपयोग अपने अणुओं के बीच जो बांध है उनको तोड़ने में कर देती है। इसलिए जब पानी से गुप्त ऊष्मा बर्फ में चली गई तो पानी पानी के अंदर जो कहा जाए कि सेंसिबल एनर्जी थी वो क्या हो गई है? कम हो गई, राइट। उनकी गति ऊर्जा अणुओं की क्या हो गई? कम हो गई। और गति ऊर्जा कम हो गई तो टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि हीट उनके अंदर कम हो गई है, राइट। तो बर्फ पिघलने के लिए जिस गुप्त ऊष्मा की जरूरत होती है वो गुप्त ऊष्मा पानी से लेती है। इसलिए यहां पर जब बर्फ पिघल जाती है और पानी क्या हो जाता है? ठंडा। पानी से ठंडा हो जाता कि बर्फ डाला तो बर्फ पिघल रही, बर्फ ने गुप्त ऊष्मा क्या कर दी है? खींच ली। इसलिए जब उसको बुखार आता है तो कहते हैं ठंडे पानी की पट्टी रखो, हाथ पर ठंडे पानी से पोंछ दो। ऐसा क्यों करते हैं? अब ठंडा पानी जो आया है जब वो वाष्पित होगा तो वाष्पित होने के लिए गुप्त ऊष्मा कहां से देगा? बॉडी से। और बॉडी से गुप्त ऊष्मा देगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, क्योंकि उसने गुप्त ऊष्मा प्राप्त कर ली है, राइट। इसलिए जब भी कभी आप नहा के पंखे के नीचे खड़े होते हैं फिर आपको ठंड लगती है, क्यों लगती है? पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होता है तो आपकी बॉडी से हीट लेकर जाता है, जो आपकी सेंसिबल हीट थी वो लेकर जाता है तो गुप्त ऊष्मा बदल देता है और आपको ठंडा महसूस होती है। तो यहां पर जो बर्फ है बर्फ गुप्त ऊष्मा का क्या करेगी? अवशोषण। और इससे किसमें आएगी? पानी में। यह गलन की प्रक्रिया है, मेल्टिंग का प्रोसेस है। तो जो गुप्त ऊष्मा लेती है वो है गलन की गुप्त ऊष्मा। और फिर पानी और ले ले हीट, तो यहां पर क्या हो गया? वाष्पन। तो किसकी गुप्त ऊष्मा लेगी? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। सबके कुछ गुप्त ऊष्मा होंगी और करके ये वाटर वेपर में बदल जाएगी। अगर बर्फ को इतनी मिल जाए ऊष्मा हीट कि वह बिना द्रव में आए सीधे वाटर वेपर में चली जाए तो हम इसे कहते हैं सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन, या ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा है, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, राइट। ये स्टेप है बर्फ, बर्फ से पानी, पानी से वाटर वेपर। इतनी बात यहां पर क्लियर हो रही है, राइट। अब घर छोड़ के चले तो गए थे लेकिन कुछ समय बाद याद आने लगी, गए थे तो बहुत ही वो मिले थे गुप्त ऊष्मा की वो थी। अब वापस कब आओगे? जब जितनी गुप्त ऊष्मा लेके गए हो उतनी छोड़ दो, नहीं तो वापस नहीं आओगे। तो अब अगर जलवाष्प वापस पानी में आना चाहती है तो यहां के बराबर जो गुप्त ऊष्मा ली थी उसको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, राइट। जलवाष्प कहां जाएगी? एटमॉस्फेयर में। तो जितनी गुप्त ऊष्मा लेके गई थी उस गुप्त ऊष्मा को एटमॉस्फेयर में क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, राइट। और यह गुप्त ऊष्मा छोड़ेगी तो जलवाष्प से किसमें आ जाएगी? पानी। और यह प्रक्रिया कहलाती है संघनन, कंडेंसेशन, संघनन। और जितनी पानी ने एब्जॉर्ब, जितनी बर्फ ने एब्जॉर्ब की थी पानी ने, अगर यह उतना छोड़ देगी तो यह किसमें आ जाएगी? बर्फ में आ जाएगी, वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। हम इसे बोलते हैं हिमकरण या रवाकरण, हिमकरण। कभी कभी नेचर में ऐसा भी होता है कि जल वाष्प अपने अंदर से इतनी वाटर, इतनी हीट छोड़ देती है कि बिना पानी में आए सीधे जाए हिमकरों में चली जाती है। कुछ विद्वान इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, लेकिन इसके लिए सही शब्द जो है वो है डिपोजिशन या निक्षेपण। ये अपर्दन वाले निक्षेपण से अलग है, डिपोजिशन। यद्यपि कुछ लोग इसे ऊर्ध्वपातन ही कहते हैं, क्यों कहते हैं नहीं पता है, लेकिन लिख देता हूं। लेकिन सही शब्द इसके लिए क्या है? निक्षेपण। ऊर्ध्वपातन वही है, वही प्रक्रिया, राइट, सब्लिमेशन, राइट। तो यहां पर क्या है? बर्फ, पानी, जलवाष्प, जलवाष्प, पानी और बर्फ में पुनः वापस आना, ठीक है ना। तो यहां यह प्रक्रिया किसके सहारे होगी? गुप्त ऊष्मा को ग्रहण करना और गुप्त ऊष्मा को छोड़ना। जब यह गुप्त ऊष्मा ग्रहण करती है ना, तब यहां पर सेंसिबल हीट गुप्त ऊष्मा में कन्वर्ट होती है। और जब यह हिस्सा होता है तो फिर से गुप्त ऊष्मा किसमें कन्वर्ट होती है? सेंसिबल हीट में। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कि गर्म पानी की तुलना में भाप से जलना अधिक खतरनाक होता है या अधिक पीड़ादायक होता है, क्यों? क्योंकि उसमें 100+ गुप्त ऊष्मा, और जब बर्फ, जब जलवाष्प कंडेंस होती है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होती है, प्लस जो एक्स्ट्रा गुप्त ऊष्मा थी उसको सेंसिबल हीट के रूप में क्या करती है? छोड़ देती है। और हमें सेंस होता है, और जब हमें सेंस होता है तो जलन क्या है? बढ़ जाती है, राइट। अब यहां से लिखते हैं कुछ बातें, पहले तापमान, ऊष्मा, फिर इतनी बात। ऐसे लिखिए, तापमान से किसी भी वस्तु के जिसका हो जा सकता है, इस वक्त मौसम खराब है, हेल्थ पर ध्यान दीजिए। ऐसे लिखे, तापमान से किसी वस्तु के तापमान से किसी वस्तु के ठंडेपन अथवा गर्माहट का बोध होता है, ठंडेपन अथवा गर्माहट का बोध होता है। वास्तव में तापमान किसी वस्तु के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, ऊष्मा हीट, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य तापमान में अंतर होने पर प्रदर्शित होती है, तथा उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर होने चाहिए टेम्परेचर के और एनर्जी के। अब देखो क्या है, कई बार दो चीज हो सकती है।
यहां पर अगर मान लो एक छोटा सा फ्लास्क है, इसका तापमान भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक बड़ा सा ड्रम है, इसका भी तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, अंदर जैसे पानी भरा है। लेकिन याद रखो, तापमान समान होने पर यह तय नहीं होता कि दोनों में ऊष्मा की मात्रा समान है। यह बात अच्छे से ध्यान रखना कि दोनों का तापमान समान देखो तो दोनों की ऊष्मा सही है। यहां पर पदार्थ की क्वांटिटी भी देखनी पड़ेगी। अब बैठा दो और एक लोटा पानी डाल दो, एक ड्रम पानी डाल दो, जिसमें उसे ज्यादा जलन का अनुभव हो उसमें ज्यादा हीट है, क्योंकि हीट का काम करेगी ना, हीट का काम क्या है, जलन, ताप का एहसास कराना। तो हमेशा याद रखना, समान तापमान होने से यह तय नहीं होता, अगर दो निकाय हैं, दो वस्तु हैं, उनके समान तापमान होने से यह तय नहीं होता कि किसी दोनों में हीट की मात्रा क्या है, समान है, हमको उनके द्रव्यमान को भी काउंट करना होता है। ठीक है, लेकिन यह ज्योग्राफी में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, साइंस वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी स्टेटमेंट आ जाए तो यह बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीनों हमारे पास तापमान और ऊष्मा। पहले ऊष्मा निम्नलिखित दो प्रकार की हो सकती है, ऊष्मा निम्नलिखित दो प्रकार की हो सकती है। नंबर एक, संवेदनशील ऊष्मा, सेंसिबल हीट, संवेदनशील ऊष्मा, सेंसिबल हीट। इसमें लिखिए वह ऊष्मा जो किसी पदार्थ के अणुओं की, जो किसी पदार्थ के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा, औसत गतिज ऊर्जा ऊर्जा में वृद्धि करती है, औसत गतिज ऊर्जा में वृद्धि करती है, और यह तापमान के रूप में तापमापी पर रिकॉर्ड होती है, अंकित कर्म भी लिख सकते हैं, रिकॉर्ड लिख सकते हैं, तापमापी पर रिकॉर्ड होती है, संवेदनशील ऊष्मा कहलाती है, संवेदनशील ऊष्मा कहलाती है। तो कोई भी वस्तु हीट को एब्जॉर्ब करे और उसका टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाए, तो इसका मतलब है उसके अंदर संवेदनशील ऊष्मा की मात्रा क्या बढ़ रही है और अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, और वही औसत गतिज ऊर्जा थर्मामीटर पे तापमान के रूप में क्या है, रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट अब यहां पर
इसका हम आगे यूटिलाइजेशन भी देखेंगे। जैसे मान लो यह जलीय भाग है और यह स्थलीय भाग है, वाटर पोर्शन है और यह लैंड पोर्शन है। अब यहां पर समान सूर्यातप अगर मिल रहा हो, दोनों में अगर समान सूर्यातप मिल रहा हो, तो यहां पर जो जलीय क्षेत्र है अगर यह यहां पर हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो जो सूर्यातप है वह यहां से इसकी जब संवेदनशील ऊर्जा को बढ़ाएगा, तो यह एक स्थिति ऐसी आ सकती है कि कुछ अणुओं की ऐसी गतिज ऊर्जा मिल जाए कि वे अपने क्षेत्र को छोड़कर क्या हो, यहां पर जलवाष्प में क्या है, परिवर्तित हो जाए, राइट। तो यहां पर जिन अणुओं को इतनी गतिज ऊर्जा मिल जाए कि ये अन्य जल के अणुओं के साथ जो इनका आकर्षण बल है और ऊपर से जो वायुदाब वगैरह पड़ रहा है, यहां पर जल के अणु अपने जलीय तंत्र में पड़े हैं। क्यों? दो कारणों से। एक तो जल के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल और दूसरा ऊपर से पड़ने वाला वायुदाब आदि। इन दोनों के कारण ये पानी में क्या है, मौजूद है। लेकिन अगर इनको इतनी गतिज ऊर्जा मिल जाती है सेंसिबल हीट से, इतनी गतिज ऊर्जा इनको मिल जाती है कि इनकी ऊर्जा इन दोनों के द्वारा लगाए गए बल से ज्यादा हो जाए, तो वो इन दोनों बलों के खिलाफ काम करते हुए क्या होंगे, वाष्पित हो जाएंगे। और जब ये वाष्पित हो जाएंगे तो इसका मतलब सेंसिबल हीट की उतनी मात्रा किसमें बदल गई, गुप्त उसमें, और वो हीट यहां से निकल गई। अगर वो हीट यहां से निकल गई तो अब इसमें हीट की मात्रा पहले से ज्यादा हो जाएगी कि कम हो जाएगी, तो इसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, तो इसका टेंपरेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब है ऐसी कोई भी सतह जहां से वाष्पन होगा उसके तापमान में क्या होगी, कमी आएगी। अब क्या यह सूर्यातप इतना इसके बराबर यहां इतना ताकतवर हो सकता है कि पत्थर को पानी में बदल दे? नहीं, सेंसिबल हीट यहां इतनी नहीं है कि इसको उस स्तर पे कन्वर्ट कर दे, क्योंकि इसके अणु ज्यादा पास पास हैं और आपको पता है कैपिटल M = कैपिटल G M1 M2 / R स्क्वायर, जो जितना पास होगा उसके बीच आकर्षण बल उतना ज्यादा होगा। ठोस में ज्यादा पास है तो सूर्यातप इतना ताकतवर नहीं हो जाएगा, इतनी इसको सेंसिबल हीट नहीं दे देगा कि यह पानी में बदल जाए। तो इसलिए ठोस में रहेगा और इसके अणु ऊष्मा को अवशोषित करेंगे, इनकी सेंसिबल हीट बढ़ेगी, इनके वाइब्रेशंस बढ़ेंगे, हमें दिखेंगे नहीं लेकिन बढ़ेंगे। और यहां पर हीट क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो यहां टेंपरेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, यहां टेंपरेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। इसलिए अगर एक ही अक्षांश पर जल और स्थल है तो गर्मी में जलीय क्षेत्र ठंडा रहेगा किसी तुलना में, स्थलीय भाग की तुलना में। इसलिए देखो गर्मी में अगर जलीय और स्थलीय भाग है तो जलीय क्षेत्र का तापमान कम और स्थलीय क्षेत्र का तापमान क्या हो जाएगा, ज्यादा। एक ही लैटिट्यूड हो, यह नहीं कहूंगी सर देखिए आर्कटिक का तो ठंडा, आर्कटिक दूसरे का तो गर्म, सेम उसमें देखना पड़ेगा, है ना। तो यह होगा। लेकिन अगर सर्दियां आ गई, सोचो सर्दियां आ गई, अगर यहां पर सर्दी आ गई तो यहां पर अब इसको इतनी सेंसिबल हीट नहीं मिलेगी कि इसमें वाष्पन की दर क्या है, बहुत ज्यादा हो, तो अब की बात अब इसमें वाष्पन बहुत कम हो जाएगा, थोड़ा बहुत उसका बहुत कम हो जाएगा, राइट। और जब इसमें वाष्पन कम हो जाएगा तो यह अपने अंदर की हीट को क्या करेगा, अपने अंदर ही स्टोर रखेगा, अर्थात अपने अंदर की हीट को बाहर नहीं निकल रहा है। और दूसरी तरफ इनको जो हीट मिल रही है इनको भी इतनी कम है कि इनके वाइब्रेशन बहुत बढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए अब की बात यहां का टेंपरेचर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, और यहां का टेंपरेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए सर्दियों में हमको पानी थोड़ा सा गर्म लगता है, गर्म लगता है, लोहे का टुकड़ा है और यहां पर इसके पार्टिकल्स हैं, अणु हैं, जो भी समझ लो,
ये सब आपस में एक दूसरे को टच किए होते हैं। अगर हम यहां से इसको गर्म करें, अगर हम यहां से इसको हीट पे रखें तो धीरे धीरे हीट क्या होगी, इस वाले छोर पे हमें महसूस होने लगेगी। यह हीट महसूस कैसे हुई, यहां पर जो कण है जिनको हीट मिला है या दूसरे को टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, तो ये टच करने के कारण हीट एक से दूसरे में जा रही है। यहां पर पदार्थ के जो अणु हैं वे अपनी माध्य स्थिति पर कंपन करते हुए स्पर्श विधि द्वारा ऊष्मा का क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। या दूसरा हो सकता है, आपके पास ये एक पिंड है, एक छड़ है, ये एक दूसरी छड़ है, अगर दोनों में हीट का ट्रांसफर करना है तो दोनों को दूर दूर रखोगे हीट नहीं ट्रांसफर होगी। अब आप इसको इससे क्या करो, टच करा दो, इसको इससे क्या करो, टच करा दो, तो आप टच करने पर हीट क्या होगी, चली जाएगी। अगर चली जाती है तो यह ऊष्मा का सुचालक है, नहीं जाती है तो कुचालक है, राइट। और अगर नहीं जाएगी तो क्या हो सकता है, कई बार हो सकता है इसमें इतनी हीट इकट्ठा हो जाए क्योंकि जा नहीं पा रही है जिसमें शायद आग लग जाए, प्रक्रिया हो सकती है, हीट इतनी ज्यादा हो जाएगी तो ट्रांसफर नहीं हुई है तो फिर वो और भी ज्यादा अपना स्वरूप प्रदर्शित करेगी। तो जब जब किसी माध्यम के अणु स्पर्श विधि द्वारा, स्पर्श विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं तब इसे चालन विधि कहा जाता है। और चालन विधि किसके लिए महत्वपूर्ण है, फोर्स के लिए, सॉलिड के लिए। जितने ज्यादा कण पैक्ड होंगे, आपस में बंधे होंगे, उतने ही अच्छी तरीके से यहां पर ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। वायुमंडल में यह विधि सबसे कम महत्व की है क्योंकि वायुमंडल ठोस नहीं है, इससे केवल वायुमंडल से सटी हुई 20 से 25 मीटर ऊंचाई तक की ही वायु क्या है, ठंडी या गर्म हो सकती है, जो बिल्कुल सटी हुई है, जो बिल्कुल जो कि ग्रेविटी के कारण परतें आपस में क्या है, सटी है। और यह अगर हवा यहां पर रुकी रहेगी तो कुछ न कुछ ऊष्मा का चालन विधि से क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन वायुमंडल के गर्म या ठंडे ऊष्मा और शीतल में चालन विधि का सबसे कम महत्व होता है। इसको लिखो, इसको लिखिए, चालन ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि है, चालन ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि है, चालन ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि है जिसके अंतर्गत माध्यम के अणु अपनी माध्य स्थिति पर कंपन करते हुए स्पर्श विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। किन्हीं दो पिंडों के मध्य चालन तभी होता है जब वे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तथा ऊष्मा उच्च तापमान वाले पिंड से निम्न तापमान वाले पिंड की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों का तापमान बराबर नहीं हो जाता है या उनका संपर्क टूट जाता है। वायुमंडल के तापन और शीतलन के लिए यह विधि सबसे कम महत्वपूर्ण है। इससे केवल भूपृष्ठ से सटी हुई परतें ही गर्म या ठंडी होती हैं। लेकिन इससे बनेगा ओस, पाला, कोहरा, कुहासा, कुहासा, तापमान प्रतिलोमन, वो इससे आएगा। तो चालन विधि कभी किसी को कमजोर ना समझो, कोई कुछ ना कुछ वायुमंडल में परिवर्तन कर देगा, उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर कई परिवर्तनों को यह जन्म देती है। ठीक है, तापमान अभी आगे देखेंगे, जब हम थोड़ा सा मौसम और मौसम देखेंगे, हम लोग वेदर देखेंगे और हम लोग क्लाइमेट देखेंगे, उसमें अंतर क्या है। तो यहां पर तापमान बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यह सभी चीजों को प्रभावित कर रहा होता है ना। आज सारी समस्या किसकी है, तापमान की तो है, एक फैक्टर है, लेकिन वो सभी फैक्टर को घुमाया पड़ा हुआ है और पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कंट्रोल करने, है ना। तो है एक फैक्टर, लेकिन यह बाकी सभी गतिविधियों को, यह पूरे अर्थ एज थर्मोडायनेमिक सिस्टम को यह सुचारू रूप से चलाने के लिए भी उत्तरदायी है, तो डिस्टर्बेंस के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है। तो यह एक विधि कौन सी हो गई, चालन विधि मतलब चल के, मतलब हीट चल रही है एक से कनेक्ट, जैसे वहां पर किसी को किताब देखो कहीं पीछे तक पहुंचा तो बैठा हुआ पीछे वाले को दिया, पीछे वाले को दिया, यह कौन सी विधि हो गई, चालन। तो यहां पर एक के बाद एक के बाद एक के बाद, और किसी को लेकर भाग के चला, और जाकर देखा फटाक से भाग के चलाया, तो यह क्या हो गया, समान।
और किसी को दिए और उसने पैसे किया और चला गया, पैसे किया और आया, माध्यम ही समझ नहीं आया या फिर गया कहां से, आया कहां से, है ना। अब आएगा यहां पर संवहन, संवहन के अंतर्गत क्या है, यहां पर माध्यम के अणुओं की ऊर्ध्वाधर गति द्वारा, ऊर्ध्वाधर गति वर्टिकल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, जब ऊर्ध्वाधर गति द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तब इसे संवहन कहा जाता है। बिल्कुल संवहन चालू हो गया, चालन विधि बिल्कुल संवहन विधि, कन्वेक्शन। हमने आपको पहले बताया कि संवहन का मतलब है साथ ले जाना, कन्वेक्शन का मतलब है कोवेक्शन, को मतलब साथ, वेक्शन का मतलब होता है वेक्टर, वेक्टर डायरेक्शन, राइट। तो वेक्टर प्लस डायरेक्शन, वेक्शन किस दिशा में यह जा रहा है, चलिए। जब जब उष्मा का स्थानांतरण, जब उष्मा का स्थानांतरण स्थानांतरण माध्यम की अणुओं द्वारा, माध्यम के अणुओं द्वारा, अणुओं द्वारा ऊर्ध्वाधर गति में, ऊर्ध्वाधर गति में किया जाता है, किया जाता है कमा संवहन विधि कहलाती है, संवहन विधि कहलाती है, संवहन विधि कहलाती है। वायुमंडल में, वायुमंडल में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए, ऊष्मा स्थानांतरण के लिए यह चालन से अधिक महत्वपूर्ण होती है, यह चालन से अधिक महत्वपूर्ण होती है, किंतु किंतु इसका महत्व, किंतु इसका महत्व केवल क्षोभ मंडल में होता है, इसका महत्व केवल क्षोभ मंडल में होता है, जहां वायु गर्म होकर, जहां वायु गर्म होकर ऊर्ध्वाधर गति द्वारा, ऊर्ध्वाधर गति द्वारा ऊष्मा संचरण करती है, ऊष्मा संचरण करती है। तो क्षोभ मंडल को हम लोगों ने क्या कहा था, संवहन मंडल। और सबसे ज्यादा संवहन धारा कहां एक्टिव है, क्षोभ मंडल। क्यों एक्टिव है, क्योंकि क्षोभ मंडल पार्थिव विकिरण से गर्म होता है और पार्थिव विकिरण सतह से जाता है, सतह गर्म होकर जैसे ही यहां पर हीट निकालेगी वैसे ही हवा गर्म होकर क्या गर्म हो गई ऊपर। तो यहां पर प्रक्रिया क्या होती है, तुमने पहले देखा भी है कि यहां से जो हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी तो ये जगह छोड़ेगी, जब ये जगह छोड़ेगी तो ये वाली हवा यहां पर आ जाएगी, जब ये वाली यहां आ जाएगी तो ये वाली यहां आ जाएगी, और ये वाली ऊपर जा रही है अगर वाली को टक्कर दे रही है तो ये क्या हो रही है, ये इधर आ रही है, और इस प्रकार यहां पर हवा के ऊपर उठने और नीचे आने का क्या एक क्रम बन जाता है। अब ध्यान दो, यहां पर यह ऊर्ध्वाधर है तो यह संवहन, यह संवहन, यह संवहन हम ले सकते हैं, लेकिन यह तो क्षैतिज है ना, हमने हमने कहा ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर संवहन है, लेकिन जैसे ही क्षैतिज वायु चल दे और क्षैतिज वायु अगर हीट को लेकर जाती है, जो कि जाती है, तो जब क्षैतिज रूप में वायु की गति द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो तब वो क्या हो जाता है, अभिमान, तब वो क्या हो जाता है, अभिमान। अगर ऊर्ध्वाधर हो रहा है अपवर्ड डाउनवर्ड ये मोशन है तो यह संवहन है, लेकिन जब क्षैतिज रूप में हो, क्षैतिज समझ लेना, हॉरिजॉन्टल इस तरह से, क्षैतिज रूप में अगर हीट का ट्रांसफर होता है वायु द्वारा, अर्थात वायु की क्षैतिज गति पवन कहलाती है मोटे तौर पे, तो जो पवन द्वारा हीट का ट्रांसफर होता है तो वह क्या है, वह अभिवहन विधि है। हम ये भी कह सकते हैं कि जब संवहन क्षैतिज रूप में संपन्न हो, क्षैतिज रूप में संपन्न हो तो क्या हो गया, अभिवहन हो गया, और वास्तव में देखा जाए तो वायुमंडल के लिए इस वाली की तुलना में क्षैतिज वाली गति क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, संवहन चालन की तुलना में ज्यादा है नो डाउट, लेकिन ऊर्ध्वाधर गति की तुलना में क्षैतिज गति का प्रभाव क्या है, ज्यादा हो जाता है। जितनी भी पवने वगैरह हैं वो सब क्या करते हैं, हीट का ट्रांसफर ही तो करते हैं, जो पवने हैं और जो महासागरीय धाराएं हैं हम उन्हें ऊष्मा का इंजन कहते हैं, वो हीट इंजन है जो पूरी पृथ्वी पर हीट के समान वितरण के लिए दिन रात बिना थके हुए काम किया करते हैं। तो महासागरीय धाराएं और पवन ये वो दूत हैं जो पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा संतुलन के लिए प्रयासरत रहते हैं, तो उसमें बदल करने की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इतनी बात समझ आए, ऊपर और नीचे आए तो सम्मान, हम अधिकतर किताबों में पढ़ते हैं कि ये वाला सम्मान है बस, नहीं ये भी है तो ये भी है, ऊर्ध्वाधर मूवमेंट है यहां पर तो ये सम्मान, लेकिन अगर क्षैतिज रूप में हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर ही हो जाएगा। अब देखो क्या, अभी हम इसको आगे पवनों में देखेंगे, बस थोड़ी सी ऐसी बात करते हैं, एक होती है पीबीएल, प्लैनेटरी बाउंड्री लेयर, प्लैनेटरी बाउंड्री लेयर, राइट, हम इसे कई बार एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर जैसा कर्म भी कहते हैं, जो प्लैनेटरी बाउंड्री लेयर होती है, जो क्षैतिज पवनें चल रही हैं, जो क्षैतिज पवनें चल रही हैं, तो ये पवनें जब सतह पे चलेंगी तो क्या चलना इतना आसान है क्या, बड़ा मुश्किल काम, आप लोग निकल के आए हो अपने यहां से पढ़ने के लिए, आना आसान था क्या, घर्षण बल तो लगा होगा है ना, वो भी घर्षण बल कौन लगाता जाता है, लगाते हैं अपने रिश्तेदार पड़ोसी, कहां भी दे रहे हो, आज तक कोई हुआ नहीं है, फलाने लगा गया था, वो ये कर दिया वो कर दिया, सफलता के किससे नहीं है, असफलता के किससे क्या उनके पास ज्यादा, वही घर्षण बल हवा होगी, और जब आप यहां जाते हो तो यहां कहीं कोई बल नहीं, जब दाएं मुड़ जाओगे बाएं मुड़ जाओगे है ना, लेकिन सब पर एक बल होता है, वायु दाब प्रणता बल, मम्मी पापा का बल है, जो हर दिन डांटते नहीं है तो पैसे बताया खराब बेटा तारी बल देखा जाए है ना, तो ये समझो तुम लोग हवा से कम थोड़ी ना है ना, बस तुम्हारी हिसाब की हवा चल जाए है ना, तो हवा फोटो फोटो से छपेगी ठीक है ना। अभी यहाँ बैठो सबके दिन फिरते हैं, याद रखना तुम्हारे भी दिन फिरेंगे, अपने गाँव में कहावत है घूरे के भी दिन फिरते हैं, घूर जानते हो क्या, वैसे कहते हैं थकान से कहते हैं, उसके भी दिन फिरते हैं, हम लोग तो इंसान है ना, दिन तो फिरेंगे फिरेंगे है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना पीबीएल, जब हवाएं चलती हैं, हवाएं चलती हैं तो हवाएं भी दो तरीके की हो जाएंगी, हम आगे देखेंगे, बस थोड़ा सा दिमाग में इसको हम आगे ऐड कर सकें। तो जब ये हवाएं चलती हैं तो हवाएं कुछ ऊंचाई तक पृथ्वी के घर्षण बल या ड्रैग, जैसे पीछे आगे बढ़ो पीछे पीछे तो पृथ्वी के घर्षण बल का सामना करती है, जहां तक सामना करती है वो पीबीएल लेयर, और फिर इसके बाद उड़ जाएं, उड़ जाएं, देखो सारी चुनौती मध्यम बल के साथ है, सब कुछ सिर्फ लाभ के चलता है, सारी नैतिकता सारी व्यवस्था, अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाओ स्टेटस आपका ऊपर उठ गया तो कोई पूछने वाला है क्या तुम क्या कर रहे हो, तुम कर रहा है और अगर तुम सफल नहीं होते तो तुमने किया वो सब तुम्हारा अपराध है ना, तो इसीलिए यह पवन भी जब तक नीचे रहेगी पीबीएल लेयर का इंपैक्ट रहेगा, धरती का ड्रैग रहेगा, तब तक
इसमें कई नियम लगाएंगे, लेकिन इसके बाद जब एक निश्चित ऊंचाई के ऊपर 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के ऊपर जब जाएगी तो पृथ्वी का दर्शन हो जाएगा खत्म, फिर एक नई तरह की हवा चलेगी जिसे हम बोलेंगे भूविक्षेपी पवनें, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, राइट। तो क्षैतिज पवनें भी कई तरह की होती है और ये क्षैतिज रूप में जब ये ऊष्मा का संचरण होता है तब हम इसे यहां अभिवहन कहते हैं। जब वायु की क्षैतिज गति, जब वायु की क्षैतिज गति गति के सहारे, क्षैतिज गति के सहारे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तब इसे अभिवहन कहा जाता है, तब इसे अभिवहन, एडवेक्शन लिखना, अभिवहन विधि है, तब इसे एडवेक्शन अभिवहन कहा जाता है, अभिवहन कहा जाता है। यह संवहन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसे क्षैतिज संवहन भी कहा जा सकता है, इसे क्षैतिज संवहन भी कहा जा सकता है। अरे गांव में चलती है पूर्वा पछुआ, वो कौन सी है? अभिवहन। वो कैसा है? अभिवहन। बोले पछुआ आएगी तो गर्म हो जाएगी, पूर्वा का मौसम ठंडा होगा। बोले क्या नहीं करते हैं, पूर्वा तो सही बहुत दर्द करता, पछुआ का तो ये होता है, उनको पूरा पता है कि उसके क्या क्या आर्थिक सामाजिक राजनीतिक प्रभाव होते हैं ना। मेन कारण इंडिया के संदर्भ में यही हो जाता है कि मानसून के काल में ज्यादा होता है, इधर सबका मानसून चलता है, मैदान में इधर से आएगा ना, हिमालय से टकरा के ये, तो यह अपने आप कौन सी होगी जब इसका प्रभाव पड़ जाए। और जब ये वाली चले तो अरे यही तो लू है ना, गर्मियों में क्या लू, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर लू, तो ये वाली जो चलती है इनका ज्यादा किसी क्षेत्र के तापमान में क्या होता है प्रभाव पड़ता है। आपको कभी महसूस हुआ कि हवा ऊपर चल रही है? कभी बताओ, चाहे जितनी गर्मी हमको नहीं लगा हवा ऊपर चल रही, पता नहीं पढ़ाया जाता हवा ऊपर चल रही, वो इसलिए महसूस होती है ऊपर होती है तो गलती क्या करती, तो दोनों बैलेंस हो जाते हैं, दोनों यहाँ पर क्या बैलेंस होते हैं। तो ये वाला मोशन, ये वाला मूवमेंट आपको महसूस, आप इक्वेटर पे खड़े हो तो ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई कपड़ा दिया तो ऊपर जाएगा, वो होता है राइट, लेकिन इतनी तीव्र नहीं होती, ग्रेविटी उसे बैलेंस कर रही होती है तो फिर उसके साथ उसका प्रभाव उतना हमें महसूस नहीं हो रहा होता है। इसमें ग्रेविटी नीचे नहीं रख पाई ना, तो ऐसा सीधे चल रही है, तो यहाँ विभिन्न बलों के अधीन ये पहुंच देती है, तो इसका इंपैक्ट हमको क्या ज्यादा दिखाई पड़ता है। तो जो ऊर्ध्वाधर गति हो उससे और हीट ट्रांसफर हो तो वो संवहन, हॉरिजॉन्टल अगर हीट ट्रांसफर हो रही है तो वो क्या है अभिवहन। फिर लिखो विकिरण, विकिरण रेडिएशन, विकिरण रेडिएशन ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि, ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विकिरण कहलाती है। इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। प्लांक महोदय के अनुसार कोई भी वस्तु चाहे जितनी गर्म या ठंडी हो वह विद्युत चुंबकीय तरंगों का निष्कासन करती है। गर्म वस्तु की तुलना में ठंडी वस्तु से दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें निष्कासित होती हैं, जिसे दीर्घ तरंग दैर्ध्य विकिरण कहा जाता है। क्या नहीं लाते तुम्हें समझो, ठीक, दीर्घ तरंग दैर्ध्य विकिरण सबको क्लास में पता कुछ लेके चले जाते हैं, दीर्घ तरंग दैर्ध्य विकिरण कहा जाता है। इस प्रकार पृथ्वी को सूर्य से लघु तरंग दैर्ध्य विकिरण ऐसे कहा यूवी नहीं कहते, अल्ट्रावायलेट ज्यादा मात्रा इसी की होती जो आती है, सूर्य से पृथ्वी को लघु तरंग दैर्ध्य विकिरण प्राप्त होता है जिसे अवशोषित कर पृथ्वी गर्म हो जाती है तथा अवशोषित सूर्यातप का
अवशोषित सूर्य तक का दीर्घ तरंग दैर्ध्य विकिरण के रूप में, दीर्घ तरंग दैर्ध्य विकिरण के रूप में निष्कासन करती है, निष्कासन करती है, जिसे पार्थिव विकिरण कहते हैं, जिसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। क्षोभ मंडल की गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि सूर्यातप के लिए पारदर्शी होती हैं, जो उनसे प्रवेश कर जाता है, सूर्यातप के लिए पारदर्शी होती हैं, जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अवरोध का कार्य करती हैं। अतः क्षोभ मंडल पार्थिव विकिरण द्वारा गर्म किया जाता है। सूर्यातप और पार्थिव विकिरण के मध्य एक संतुलन बना रहता है, जिससे पृथ्वी अपने 15 डिग्री सेंटीग्रेड के औसत तापमान को बनाए रखती है। उपरोक्त विधियों के अतिरिक्त वाष्पन व संघनन जैसी प्रक्रियाएं भी ऊष्मा स्थानांतरण में भाग लेती हैं। यहां से कुछ पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अब जो पढ़ाया जाएगा वो इसी आधार पे क्या होगा समझ में आएगा। अब हम चलने वाले हैं पृथ्वी के ऊष्मा बजट, हीट बजट, राइट। अब यहां पर एक बात समझो, यहां पर पृथ्वी पर इन सभी विधियों से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, जो बिल्कुल सटी पड़ते हैं चालन विधि द्वारा, पूरा जो क्षोभ मंडल है संवहन विधि द्वारा, और इसके बाद जो कुछ भी चीजें हैं सब विकिरण द्वारा। पृथ्वी को अगर सूर्य से ऊष्मा मिलती है तो किस विधि द्वारा? विकिरण। देखो विकिरण विधि का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द्वारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ही विकिरण कहा जाता है, राइट। जब कहते हैं कि अपने अंदर से ऊर्जा विकिरित कर रही है तो ऊर्जा विकिरित का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कई तरह की होती है, जो आपने साइंस वगैरह पढ़ा होगा कि गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, ये सारा जो आपने पढ़ा है ये सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, राइट। तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कई तरह के तरंगों का समुच्चय होती है, और हम लोग यहां से जो भी पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल रहा हूं, वास्तव में यह एक पैकेट के रूप में आता है जिसे फोटॉन कहा जाता है, लेकिन आप इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में जान के गूगल में अच्छे से काम आते चलता है। अब एक बात जो याद रखने वाली है ज्यादा, कि अगर ये अर्थ है, अर्थ का यह वायुमंडल है और क्षोभ मंडल लेने के निचला वायुमंडल, और इसे सूर्य से जो सूर्यातप मिलता है, राइट, तो इसमें जो अधिकांश जो सूर्यातप का पार्ट जो यहां पर पहुंचता है वो पेनिट्रेट करके पृथ्वी की सतह तक आ जाता है, बहुत थोड़ा भाग ही यहां पर एब्जॉर्ब होता है, और जब अर्थ इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, अब अर्थ के पास क्या क्या है कि अगर आ रहा है उसको क्या करें, या तो कुछ हिस्सा लगा दे, कुछ अवशोषित कर दे, कुछ फैला दे, यही सब कुछ काम कर सकती है। अगर मान लो अर्थ एब्जॉर्ब कर रही है, तो जब एब्जॉर्ब करती है वही है कि जैसे मान लो आपके पास चॉकलेट है, एक बार वो चूस के वापस रखती है, तो जो पहली वाली चॉकलेट थी और दूसरी वाली चॉकलेट थी दोनों के गुणों में कुछ तो अंतर आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ या फिर रसगुल्ला या रस चूस के रख दिया, ये भी कर सकते हो, तो कई रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो सकता है। अब खुद यहाँ पे सोचो कि अगर ये एब्जॉर्ब कर ले, अवशोषित कर ले, और अवशोषित करने के बाद छोड़े तो अब इसका नेचर अलग और इसका नेचर अलग हो जाए। लेकिन अगर इसने ऐसा किया होता कि यह एब्जॉर्ब ही ना करती और ये क्या करती, लौटा देती सीधे वापस, क्या करती, लौटा देती, एब्जॉर्ब ना होता, तो फिर इसका नेचर और इसका नेचर क्या होता, सेम होता, इन दोनों का नेचर यहाँ पर सेम होता, कोई भी नेचर में वेरिएशन नहीं होता, ये शॉर्ट वेव तो ये शॉर्ट वेव, राइट। और यहां पर जब ये जाएगी तो अब ये ठंडी होकर का चक्कर पड़ जाएगा, तो यहां पर वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, तो ये लघु तरंग है, तो ये क्या हो जाएगा, तीव्र तरंग दैर्ध्य विकिरण हो जाता है, राइट। तो ऊष्मा बजट पे आने के पहले एक कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, फिर हम ऊष्मा बजट को उसका इस्तेमाल करेंगे। तो हेडिंग लिखो एल्बिडो, इसको हिंदी में कहते हैं दो टर्म है, इससे अच्छा एल्बिडो परावर्तन गुणांक, परावर्तिता, ये टर्म यहां पर, लेकिन यूपीएससी जब भी देगी तो चाक्षुष द्वितीय की डिग्री, इसलिए हमने आपको यह शब्द बताया, राइट। तो यूपीएससी में सरल भाव के करने के चक्कर में ना जो शब्द आने चाहिए वो लोगों ने गलत कर दिया, और यदि बात है जो गलती वगैरह का पेपर लिखने नंबर कम क्यों आते, इसलिए आप एक टेक्निकल टर्म नहीं लिखते, हम लोग हल्का कर देते हैं, और हल्का कर देते हो तो चक्कर आओ कई बार उसका लगता मॉडल आंसर सब कुछ उसमें अलग तरीके का लगा हुआ है, ट्रांसलेशन का कुछ और रहे हो, तो सरल इसलिए किया गया ना कि जिससे आप लोग खुश रहे बस, और खुश रहेंगे तो हम भी चलेंगे, कोचिंग भी चलेंगे, है ना। थोड़ा ज्यादा डीप पढ़ा तो घोड़ा जाते हैं, टीचर
करता है, कोचिंग चलती है, इसलिए बड़ी चुनौतियां पैदा हो जाती है। लेकिन ज्योग्राफी में कोशिश करो, ठीक है ना, थोड़ा ज्योग्राफी में कोशिश करो, जहाँ टेक्निकल वर्ड मिले उसे धड़ल्ले से यूज करो, ठीक है ना, तो थोड़ा सा आपकी चीजें खुल जाएगी। हाँ, यहाँ यूज करो तो लिख क्या जाएगा कुछ ना कुछ, है ना, कि आपकी विषय वस्तु पर समझ तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपने जो शब्द लिखा उसने मेरी समझ खराब कर रही है ना, तो ये गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन तो कई बार क्या दिक्कत होती है ना, कि आप आंसर अच्छा लिख रहे हो, क्या चेक करने वाला उतना अच्छा है? बहुत बड़ी चुनौती है, क्या वो उतना अच्छा है कि उस लेवल को आंसर की डिमांड को ये सब क्या कर सके, समझ सके? कई बार ये चुनौती बहुत बड़ी चुनौती होती है। नहीं, हम लोग तो बेस्ट हैं, कोई दो राय तो वी आर डूइंग बेटर, लेकिन आपको कई बार बता रहा हूँ कि कई बार आपको नंबर नंबर कम मिले, कुछ हो, क्या हो, तो उसमें हताश नहीं होना है। आपको अपने कंटेंट, अपने कॉन्सेप्ट, अपने प्रेजेंटेशन, इन पर आपको ट्रस्ट होना चाहिए और अपने लिखने की लाइन को पकड़ के आपको लिखते रहना चाहिए। अपने आप आपकी समझ का स्तर क्या होगा वो बढ़ जाएगा, है ना। क्या होगा मित्र, बैठे बैठे थक गए क्या आज? सर टेस्ट में वायुमंडल का टॉपिक भी पूछा जाएगा क्या? पूछ लूँ क्या? नहीं नहीं पूछा जाएगा, टेस्ट पेपर तैयार है। वायु और पवन में क्या अंतर है? हाँ, वायु मोटे तौर पर समझ लो कि वायु जो है वह स्थैतिक संकल्पना है। वायु स्थैतिक संकल्पना है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, मतलब गैसों के मिश्रण को वायु कहते हैं, गैसों के मिश्रण को वायु कहते हैं, ठीक है ना। और जब वायु में बलों के अधीन जब 36 गति उत्पन्न हो जाती है, बलों के अधीन तो ऑब्वियस है 36 बल होंगे, तो बलों के अधीन जब 36 गति उत्पन्न हो जाती है तो वही 36 रूप से गतिशील वायु क्या हो जाती है? पवन हो जाती है। इस वायु को हवा भी कहते हैं, वायु और हवा सेम है, तो जब बलों के अधीन वायु में 36 गति हो जाती है तो वह पवन, तो वायु की 36 गति पवन ये कह सकते हो। चालन संवहन विक्रम एक बार समझा दीजिए, हल्का हल्का समझ लो, देखो दोबारा वीडियो देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा, मैं समझ रहा हूँ। यहाँ पर समझ लो, चालन विधि का मतलब है कि अगर कोई एक पदार्थ गर्म है, ऐसा समझ लो, अगर यह पदार्थ गर्म है और दूसरे पदार्थ को अगर गर्म करना है तो उसे इससे क्या करना पड़ेगा? स्पर्श कराना पड़ेगा, स्पर्श कराना पड़ेगा, तब यह गर्म होगा। और उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर ऊर्जा का क्या होगा? प्रवाह होगा उसमें, तब तक होगा जब तक या तो दोनों बराबर न हो जाए या फिर एक को हटाने दो। दूसरी चीज, अगर यही कोई पदार्थ है तो इसके अणु संपर्क विधि द्वारा एक दूसरे को टच करते हुए उसमें क्या कर देंगे? स्थानांतरण। तो यह ठोस के लिए जरूरी है, ठोस के लिए। और जब आप कभी देखें कि जैसे पानी वानी भरा है और मान लो ऊपर जाए, नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे आए और तब ये हीट का ट्रांसफर करें, तो जब ऊर्ध्वाधर जब पदार्थ के अणु में या माध्यम के पदार्थ में ऊर्ध्वाधर गति द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो तो यह संवहन है, और जब क्षैतिज गति द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो तो अभिवहन है। और इन दोनों में हमको क्या चाहिए? माध्यम चाहिए, कोई ना कोई हमको मीडियम चाहिए। लेकिन जब कभी ऐसा हो, मान लो यह पृथ्वी है और यह सूर्य है और यह निर्वात है, यहां पर निर्वात है, माध्यम तो है नहीं, मीडियम तो है नहीं, फिर भी अगर यहां से हीट आ जा रही है तो इसका मतलब कुछ ऐसा तरीका है जिसमें माध्यम की जरूरत नहीं है, राइट। तो जब माध्यम के बिना भी उस माध्यम हो तो भी आ जाएगी, और माध्यम नहीं तो भी आ जाएगी, तो माध्यम की आवश्यकता न होती उष्मा स्थानांतरण की विधि में, उसे विकिरण कहा जाता है। विकिरण क्योंकि इसमें जो उष्मा जाती है विशेष प्रकार के वेव्स के द्वारा जाती है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चूंकि विकिरण कहते हैं, जो तरंगे निर्वात में चल सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को विकिरण भी कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है, इसलिए यह विधि क्या कहलाती है? विकिरण विधि कहलाती है। फाइन, चलो यहां पर लिखो एल्बिडो, लिंक करें, क्योंकि क्या थोड़ा बताना बेटा, तो आपसे बात कर पाएंगे, है ना। एल्बिडो में लिखे, किसी वस्तु या सतह का एल्बिडो, किसी वस्तु या सतह, किसी वस्तु या सतह का एल्बिडो, एल्बिडो वस्तु या सतह पर आपतित, वस्तु या सतह पर आपतित, आपतित विकिरण की वह मात्रा है, सतह पर आपतित विकिरण की वह मात्रा है जो बिना अवशोषित हुए ही, जो बिना अवशोषित हुए ही सीधे परावर्तित हो जाती है, अवशोषित हुए ही सीधे परावर्तित हो जाती है, इसे इसे प्रतिशत या दशमलव में, प्रतिशत या दशमलव में प्रकट किया जाता है, प्रकट किया जाता है, वस्तु या सतह का एल्बिडो परावर्तित विकिरण, परावर्तित विकिरण मात्रा भी लिख सकते हो। अगर हम केवल ये लिखें तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, सॉरी पॉइंट में आ जाएगा, तब हम यहां एक परिभाषा हो दे सकते हैं कि किसी वस्तु या सतह का एल्बिडो परावर्तित विकिरण और आपतित विकिरण का अनुपात होता है, सिंपल सा ये भी दे सकते हैं, है ना। ये वाली परिभाषा आप दिमाग में रख सकते हो, और इनटू 100, अब ये परसेंटेज में यहां पे आएगा। इन दोनों में से आप किसी में इसे निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर जितना बिना अवशोषित हुए वापस हो जाती है, इसका मतलब
उसका सतह को गर्म करने में कोई योगदान नहीं है। और अगर किसी का एल्बिडो बढ़ता ही जाएगा, इसका मतलब वो देर से गर्म होगी। जिसका एल्बिडो जितना ज्यादा होगा वो ज्यादा क्या कर देगी, परिवर्तित। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, किसी एल्बिडो ज्यादा हो, वापस मेरे पास आ गया, सर मैंने नाम रख लिया, तो फिर यहां कम हो जाएगा। तो अगर जिस सतह का एल्बिडो जितना ज्यादा हो जाएगा वह उतनी देर से गर्म होगी, और जिसका एल्बिडो जितना कम होगा वो ज्यादा ज्यादा करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, और एब्जॉर्ब कर लेगी, संचित कर लेगी। तो एब्जॉर्ब करना कभी नहीं, संचित भी करना है। मान लो यहां पर कोई सिस्टम था, यहां से गए, जिसने एब्जॉर्ब करके यहां से निकाल दिया, तो गर्म नहीं होगी। एब्जॉर्ब करने का मतलब एब्जॉर्ब होने के साथ यहां पर क्या करें, स्टोर भी करें, है ना। तब ये प्रक्रिया सब, जब मैं कह रहा हूं, जब मैं नॉर्मली बोलूं कि अवशोषण, तो आप समझिए कि हम इसको अवशोषण के साथ संग्रहण भी बोलें, ठीक है। तो जब यहां पर जितना ज्यादा अवशोषित करेगी उतना ज्यादा वो वस्तु गर्म होगी, उसके अणु की गतिज ऊर्जा उतनी ज्यादा बढ़ेगी। और अगर रिफ्लेक्ट कर रही है तो एल्बिडो ज्यादा, तो यहां पर तापन की दर में क्या हो जाएगी, कमी। तो एल्बिडो, एल्बिडो और तापन की दर में विद्युत क्रमानुपाती संबंध होता है। समझ गया ना, अगर स्टेटमेंट ध्यान रखना, एल्बिडो और तापन की दर में विद्युत क्रमानुपाती संबंध होता है, ठीक है। अब इसके नीचे बात करेंगे, पहले से लिखिए, ठीक है। किसी वस्तु या सतह का एल्बिडो, एल्बिडो निम्नलिखित, निम्नलिखित दो कारकों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित दो कारकों पर निर्भर करता है। नंबर एक, सतह की प्रकृति, सतह की प्रकृति, श्वेत एवं चिकनी सतहों की, चिकनी सतहों का कर्म, सतहों का एल्बिडो उच्च होता है, जबकि गहरे रंग और खुरदुरी सतहों का एल्बिडो कम होता है। उम्मीद बात समझ आ रही होगी। चाक्षुष स्थिति क्यों आएगा, चाक्षुष स्थिति का मतलब जितना परावर्तित होकर हमारी आंख में आएगी, आंख में होती चमक होगी, कभी शीशा चमकाया होगा, खाली चमकाई होगी, है ना। तो क्यों चमक हमारी आंख में आती है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट किया जाता है। चाक्षुष मतलब आंख, स्थिति का मतलब है चमक, परावर्तन जितना ज्यादा होगा वो आंख में उतनी ज्यादा क्या पैदा करेगी, चमक पैदा करेगी, इसे से चाक्षुष स्थिति कहा जाता है। तो श्वेत एवं चिकनी सतहों का एल्बिडो उच्च होता है, जबकि गहरे रंग व खुरदरी सतहों का एल्बिडो कम होता है। आजकल एल्बिडो को, एल्बिडो के की चीजों को हम अपने नगर नियोजन में भी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे नगर और हमारे घर, दीज आर सिक्स सिटीज एंड सिक्स हाउसेस, दिमाग घर है आजकल हमारे, तो हम लोग कहां से स्वस्थ रह जाएंगे। और हमारे शहर अब यहां पर एक तरह से कहा जाए हीट आईलैंड जैसे काम कर रहे हैं। अगर हम आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को देखें और नगर क्षेत्र को देखें, तो नगर क्षेत्र की हवा ज्यादा गर्म होती है और ग्रामीण क्षेत्र की हवा जो उसके ऊपर हवा है उसका तापमान कम होता है। तो शहर के केंद्र के ऊपर एक डोम बना होता है, राइट, लगता है जैसे हवा का एक द्वीप बन गया, ये गर्म हवा है। और गर्म हवा यहाँ पर खासतौर पर इसलिए है क्योंकि हम अपने नगरों में जो अवसंरचनाओं में जो इस्तेमाल किए हैं पदार्थ, वो गहरे रंग के हैं, खुरदुरे हैं, इसलिए वो ज्यादा सूर्य तक क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं और फिर वो निकालते हैं हम, और बहुत गहन, बहुत सघन बसे हैं हम लोग, तो हीट बाहर नहीं जाने पाती है, वो हीट स्टोर होती है। और जितना टेम्परेचर यहाँ पर हमारे नगरों का बढ़ेगा, उतना ही हमें स्वास्थ्य संबंधी खतरा होगा, हमारे जलीय तंत्र को खतरा होगा, हमारी जैव विविधता कई जीवों को खतरा होगा। देखो बहुत सारे जीव जिसको आप बिना सामान्य रूप में प्राप्त करते, जैसे गौरैया है, देवेंद्र कौवा है, ये सब कहाँ मिलते हैं, गाय है ना। गाय इसलिए है कि हमारे नगर ऐसे बन गए हैं, पहले हम लोगों के गाँव में इतना खुला जगह रहता था, बहुत ज्यादा खुली जगह रहती थी, तो वहीं अपना घर लेती थी, सब कुछ लेती थी, अब कहाँ रहने घर काम अपना है ना। और जो बच्चा घर है वो साफ करते थे, है ना, और वहाँ पर रखा रहता था, हम लोग उसे मानते थे भाई जी जाना चाहिए। पानी के कई अपने स्थल ऐसे होते थे जहाँ पानी थोड़ा भरा होता था, वहाँ पीने के पानी, हम लोग अपना खाना जो चावल वाल सब बिना ही जाता था, लोग आने बैठ के देते थे, जो एक्स्ट्रा आया ऐसे फेंक दिया, गौरैया की पार्टी चल रही है ना। अब अधिकतर सामान मॉल से आ रहा है, साफ सुथरा मॉल आ रहा है, सारे सामान आ रहे हैं, और उसमें किसके पास इतना टाइम है बैठ के बिना और कोई देखे कुछ करे। तो जितने भी प्राकृतिक आवास और प्राकृतिक सुविधाएं थी वो लगातार पक्षियों की गायब होती चली गई है। अभी विवाद का विषय है कि मोबाइल के लिए टावर है वो कितना उसमें योगदान देते हैं, अभी तक वैज्ञानिक सीधा डायरेक्ट रिलेशन नहीं निकला है, पर चुनौतियां हैं। तो हाल के समय में एल्बिडो कि हम लो, यहाँ पर हाई एल्बिडो और लो एल्बिडो से हम हाई एल्बिडो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ चलने की कोशिश करते हैं, इसलिए ग्रीन रूफ का कॉन्सेप्ट आया है, रिफ्लेक्टिव रूफ, ग्रीन रूफ, ये सारे कॉन्सेप्ट आए हैं। उन कॉन्सेप्ट का मुख्य उद्देश्य यही है कि अपने शहरों के तापन को क्या किया जाए, कम किया जाए, राइट। तो आगे चलते नवीकरण वगैरह में थोड़ा बहुत जहां, जब हम लोग ही गाइडलाइन पढ़ना पड़ेगा, जब ही गाइडलाइन पढ़ेंगे तो वहां पर इसी पर चर्चा होगी। दूसरी चीज, विकिरण के आपतन कोण, या विकिरण का आपतन कोण, विकिरण का आपतन कोण, विकिरण के आपतन कोण, आपतन कोण एवं एल्बिडो में विद्युत क्रमानुपाती संबंध होता है, विद्युत क्रमानुपाती संबंध होता है। विकिरण के आपतन कोण एवं एल्बिडो में विद्युत क्रमानुपाती संबंध होता है। अब यहां एक बात देखो, आपतन कोण का मतलब ये, यहां पर ये कोण और दूसरा कोण ये, तो यह आपतन कोण कम है, और जितना आपतन कोण कम होता है ना, तो रेट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। और अगर 5 डिग्री पर अगर पड़ता है तो लगभग 100% रिफ्लेक्शन मिलता है, 100% रिफ्लेक्ट यहाँ पर हो जाता है। तो जितना कम एंगल पर रेडिएशन स्ट्राइक करेगा सरफेस को, उतना ही ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, एल्बिडो। और जैसे जैसे राइट एंगल की तरफ आता जाएगा, एल्बिडो यहाँ पे कम होता जाएगा। मैंने पहले बताया तालाब में पत्थर फेंके थे जो ऊपर पड़ के जाता था, तो क्या लेकिन छुपके मारते थे ना, कभी ऐसा नहीं मारे, ऐसे मारे तो क्या होगा, डूब जाएगा। और जितना छुप सकते हो पानी के पैनल, है ना, उतना ही फेंकोगे तो उसके ऊपर क्या जाता है, राइट, क्योंकि छिछला कोण मारा होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि विकिरण के आपतन कोण और एल्बिडो में क्या है, विद्युत क्रमानुपाती संबंध होता है, ठीक है। यहाँ पर एल्बिडो एक लिस्ट में आपको, आप लोगों के पास कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह के चित्र पहुंचे नहीं पहुंचे,
पहुंच गया ना, चलो ठीक है। तो आगे के टाइम मैं आपको और पहुंचा दूंगा, है ना। एलबीडो का एक मैं आपको लिस्ट भी पहुंचा दूंगा कि विभिन्न प्रकार के यहाँ पर एलबीडो है, 15-20 सर्विसेज हैं, उन्हें आप देखे रहना। लेकिन एक दो चीजों की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर देखो जैसे है सदाबहार उष्णकटिबंधीय है, यहाँ पर सदाबहार वन, फिर है पर्णपाती वन, फिर है यहाँ पर टैगा या नॉर्थ वन, टैगा वन, फिर यहाँ टुंड्रा क्षेत्र आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि जब पत्तियों का आकार छोटा होता जाएगा तो एलबीडो क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। जब पत्तियों का आकार जितना ज्यादा बढ़ेगा तो एक गाना भी है ना, पेड़ों को खाती है पत्तियां, पत्तियों को खाता है पत्रा, पत्रे को खाता है, ना। तो बिल्कुल एनवायरमेंटल सॉन्ग है। तो यहाँ पर जो भी हरी पत्तियां, जो भी हरे पौधे हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो जो सदाबहार वन होते हैं उनकी पत्तियां चौड़ी होती, राइट, चौड़ी होती। तो इनके ऊपर जितना यहाँ पर सोलर रेडिएशन पहुंचता है वो सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उस हीट को वो बायोमास एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं कार्बनिक पदार्थों के रूप में, अपने ऊतकों में संचित कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो जितना बड़ा जितने बड़े पत्ते वगैरह होंगे उनकी प्रकाश संश्लेषण करने की दक्षता उच्च होगी, तो यहाँ हरियाली ज्यादा होगी। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की दक्षता उच्च होगी, तो अवशोषण की दर उच्च होगी, अवशोषण की दर उच्च होगी, तो एलबीडो यहाँ पर सबसे कम, एलबीडो यहाँ पर क्या सबसे कम रहेगा। अब धीरे धीरे पत्तियों का आगा छोटा नुकीला ये सब होगा, इसका एलबीडो सबसे कम, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, और फिर यहाँ काई वगैरह ये सब होती है तो खुला क्षेत्र है, तो सबसे ज्यादा एलबीडो किसका रहेगा, टुंड्रा का, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक क्रम याद रखोगे तो यह एलबीडो का आरोही क्रम है, ये सबसे कम से सबसे ज्यादा, यह सबसे कम और यह सर्वाधिक, यहाँ पर यह सर्वाधिक हो जाता है। इसी तरह दो और चीजों का देखा जाता है, यहाँ पर दो देखा जाता है, यहाँ पर जैसे ताजी पर इसे कहते हैं नवपात पर, इसका एलबीडो ज्यादा होगा, और स्थायी हिम जो परमानेंट है या पिघलती हुई हिम, पिघलती पर इसका एलबीडो इसकी तुलना में क्या कम हो जाएगा, इसका एलबीडो 80 से 90 आता है, तो इसका एलबीडो लगभग 60 से 70 आता है। तो जो ताजी होगी वो ज्यादा वाइट होगी, राइट, श्वेत होगी, इसलिए यहाँ पर ज्यादा हो जाता है यहाँ पर इसका एलबीडो, और उसका एलबीडो तुलनात्मक रूप में क्या है, कम हो जाता है। अच्छा, इक्वेटर पे हो, भारत में अगर अरुणाचल प्रदेश में और वहां पर जो सदाबहार वन पाए जाएंगे तो क्या उनकी अवशोषण क्षमता, क्या उनका एलबीडो विषुव रेखा पर पाए जाने वाले उनकी तुलना में कम हो जाएगा क्या, कुछ नहीं होगा, बराबर होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर इनके प्रकाश संश्लेषण का की प्रक्रिया यहाँ पर क्या कर रही है, काम कर रही है, इनकी अपनी एब्जॉर्प्शन की प्रकृति काम कर रही है यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि ये इन्हें एब्जॉर्ब करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, इस प्रक्रिया में इनकी एब्जॉर्प्शन पावर ज्यादा है, और कम से एब्जॉर्प्शन पावर क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी, उससे संबंधित एंगल लगा सकते हैं, उससे संबंधित, ठीक है, एंगल लगा सकते हैं उससे संबंधित। फिर ताजी पर, नौपात पर और स्थायी, इसके अलावा यहाँ पर दो तरह के बादल होते हैं, जब ऊंचे बादल बनते हैं हाई क्लाउड, उच्च बादल, जब उच्च बादल बनते हैं हाई क्लाउड, जैसे एक बादल होता है पक्षा, उसको ले लें, तो जो ऊंचे बादल बनते हैं वे बादल पतले होते हैं, पतले बादल हो, भले वो बर्फ करके बने हो, पतले बादल होते हैं, राइट, तो इन बादल का एल्बिडो कम होता है, और जो गहरे बादल होते हैं, गहरे बादल या कम ऊंचाई के बादल, वो जो ज्यादा गहराई वाले होते हैं, जैसे समझ सकते हो, तो इनका एल्बिडो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, राइट। तो अधिक ऊंचाई वाले पतले बादलों, अधिक ऊंचाई वाले पतले बादल जैसे पक्षा का एल्बिडो कम होता है, और कम ऊंचाई वाले गहरे बादलों का एल्बिडो क्या है, ज्यादा हो जाता है, राइट। इन एल्बिडो की भी तुलना की जाती है, क्योंकि पतले बादल है तो इनसे रेडिएशन ज्यादा आ जाता है, और रेडिएशन वापस जाएगा तो ये बादल रोकेंगे उस वक्त, तो इनसे तापन प्रभाव पैदा हो जाता है, तापन प्रभाव, लेकिन इनसे रेडिएशन कम आएगा और ये वापस जा रहा होगा, इसकी तुलना में यहाँ पर रेडिएशन कम नीचे आया है, तो इसकी तुलना में ये थोड़ा सा ठंडा प्रभाव क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, जो इनके एल्बिडो पर निर्भर करता है। तो उच्च बादलों का एल्बिडो, यहाँ पर उच्च बादलों का एल्बिडो कम होता है, और इनका एल्बिडो इसकी तुलना में क्या है, ज्यादा होता है, ये बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये 3-4 कैटेगरी है जहां से क्वेश्चन यूपीएससी पूछती रही है, ये इस साल 2022 में पूछा, राइट, ये क्लास करा दिया, 2022 में ही क्वेश्चन पूछा गया, उसके दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उसने स्टेटमेंट को क्या किया, फ्लिप कर दिया, नीचे वाले ऊपर वाले को नीचे करके तापन के संदर्भ में उल्टा कर दिया, इसलिए वहां पर दोनों स्टेटमेंट वहां पे गलत है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया, इसकी एक लिस्ट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां पर आप लिख लेंगे, करेक्ट, तो ये हो गया। अब उसमें अपने लंबा टॉपिक है, मंडे को ही किया जाएगा, आज जल्दी छोड़ देते हैं, किसी दिन आपका टाइम पूरा कर लेंगे। जो हम लोगों ने वायुमंडल में देखा है एटमॉस्फेयर में जो देखा है आगे से छुट्टी उट्टी के बारे में कोई ना आया करे, नहीं तो हमें छुट्टी पूरी कर दूंगा, आप किसी और से पढ़ लें। एक क्रम याद रखना, जिस क्रम में पढ़ा रहा हूं उसी क्रम को ध्यान रखिएगा। तो वायुमंडल में हम लोगों ने उत्पत्ति देखी, फिर उत्पत्ति के बाद दूसरी चीज पर हम लोगों ने देखा संघटन, किससे किससे यह निर्मित है ना।
फिर इसके बाद हम लोगों ने यहां पर चर्चा की क्या, हम लोगों ने यहां पर चर्चा की संरचना, संरचना तो हमने यहां पर देखी उत्पत्ति, संगठन, संरचना। फिर इसके बाद हमने देखा वो सभी स्टेप्स पे हम जा रहे हैं जो वायुमंडल को प्रभावित करते हैं। मोटे तौर पर हमने आपसे बात किया था कि अर्थ एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम की तरह कार्य करती है, ऊष्मागतिक निकाय की तरह कार्य करती है, जिसमें जहां सूर्य से इसे ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्यातप प्राप्त होता है, फिर ये यहां पर इसका वायुमंडल तो सूर्य से पृथ्वी सूर्यातप प्राप्त करती है, फिर पृथ्वी से एटमॉस्फेयर, पृथ्वी से अन्य मंडलों की तरफ, चाहे वो स्थल मंडल हो, जल मंडल हो, वायुमंडल हो, जैव मंडल हो, ऊर्जा यहां पर हर जगह वितरित हो रही होती है। तो जहां एक बार उत्पत्ति हो गई वायुमंडल की, उसका संगठन देख लिया, संरचना देख लिया, तो यहां ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो है सूर्यातप, इंसुलेशन। तो हमने यहां पर डिस्कस कर लिया कि सूर्यातप क्या होता है और सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं। फिर इसके बाद जब यह सूर्यातप प्राप्त कर लेगी अर्थ, तो इसका मतलब है कि अब पृथ्वी को कहीं से हीट मिल रही है, उष्मा मिल रही है। हीट का संबंध तापमान से है, टेम्परेचर से है। तो हमको यह भी देखना पड़ेगा कि आखिरकार हीट की संकल्पना क्या है और टेम्परेचर की संकल्पना का क्या है। तो हमने इस संकल्पना की भी स्टडी कर ली। अब हमको यह देखना पड़ेगा कि जो पृथ्वी को हीट मिलती है, जो सूर्यातप प्राप्त होता है, वह सूर्यातप पृथ्वी अपने अंदर रखती है या सूर्यातप जो अवशोषित करती है उसे विभिन्न तरीके से रिलीज करती है। क्या कारण है कि इतने लंबे समय से लगातार सूर्यातप को मिला है लेकिन पृथ्वी के औसत तापमान में प्रायः कोई परिवर्तन नहीं है। पृथ्वी का जो औसत तापमान माना जाता है वो लगभग 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसे हम लोग अप्रॉक्सिमेटली कितना कहते हैं, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब तक लगभग 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोगों ने वृद्धि कर दिया मोटे तौर पर, राइट। लेकिन वो 14 के संदर्भ में है, 15 के संदर्भ में देखें तो कितना मानते हैं वृद्धि हो गई, लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास वृद्धि हो गई है, राइट। तो अगर हम इस वृद्धि को भी हटा दें, मानव हस्तक्षेप रहित वायुमंडल में देखें, तो क्या कारण रहा है कि इतने लंबे समय से जब पृथ्वी का एक बार औसत तापमान आ गया तो वह औसत तापमान बना रहा है, अर्थात वह कौन सी क्रियाविधि है जिसके द्वारा पृथ्वी अपने औसत तापमान को बनाए रखती है। तो उसी क्रम में हमको देखना पड़ता है यहां पर पृथ्वी का ऊष्मा बजट, हीट बजट ऑफ द अर्थ, राइट। तो इस क्रम में हमारा आगे का जो टॉपिक आएगा वो आएगा पृथ्वी का ऊष्मा बजट। तो कहने लिखिए हीट बजट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का ऊष्मा बजट, पृथ्वी का ऊष्मा बजट, हीट बजट ऑफ द अर्थ। नॉर्मली हम लोगों को क्या पता है जो बजट है, बजट दो चीज है, अगर हम रुपए पैसे के रूप में देखें तो एक है इनकम और दूसरा यहां पर एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर। अगर इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर है तो यहां पर जितना प्राप्त हो रहा है उतना खर्च हो रहा है, राइट। लेकिन अगर इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर तो इसका मतलब इनकम ज्यादा है उतना खर्च नहीं हो रहा है तो बचत हो रही है, राइट। तीसरी चीज, अगर इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है घाटा चल रहा है। अगर हम इसे सूर्यातप के रूप में देखें तो हमें यह देखना होगा कि जो सूर्य से हमको प्राप्त होता है सूर्यातप, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, मतलब जितना प्राप्त कर रही है पृथ्वी उतना अगर विभिन्न रूपों में क्या कर रही है, लौटा रही है, तो इसका तापमान क्या होगा, नियत रहेगा। अगर ऐसा हो जाए कि सूर्यातप ज्यादा मिल रहा है और ये लौटा कर रही है, इसका मतलब यहां प्लस हो जाएगा, प्लस होने का मतलब है ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन, अर्थात पृथ्वी के तापमान में निरंतर क्या होगी, वृद्धि होती जाएगी। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि इनकम कम है, इनकम यहां पर कम है और एक्सपेंडिचर क्या हो गया, ज्यादा, तो इसका मतलब है ग्लोबल कूलिंग का कॉन्सेप्ट या ग्लोबल कूलिंग का भी कॉन्सेप्ट यहां पर होता है। हमें अभी दो चीज देखनी है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, और दूसरी चीज देखनी है कि क्या ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जिससे कि हम ग्लोबल वार्मिंग से गुजर रहे हैं, राइट। तो थोड़ा सा देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग, ज्यादा हमारा फोकस अभी ऊष्मा बजट पे है। तो अगर हम यहां ऊष्मा बजट देखें तो दो की चीज की स्टडी करनी है, एक है परिभाषा, दूसरा होगा यहां पर प्रक्रिया, प्रोसेस, और तीसरा होगा यहां पर मूल्यांकन या अप्रेजल। मूल्यांकन इन द सेंस कि जो प्रक्रिया बताई जा रही है वह प्रक्रिया कितनी उचित है या उसमें कुछ और बदलावों की जरूरत है। तो यहां पर परिभाषा, प्रक्रिया और मूल्यांकन, इन तीन चीजों को हमें यहां पर देखना है, ठीक है ना। लिखो, चलो परिभाषा से प्रारंभ करते हैं। पृथ्वी के ऊष्मा बजट से तात्पर्य, पृथ्वी के ऊष्मा बजट से तात्पर्य, ऊष्मा बजट से तात्पर्य पृथ्वी को प्राप्त होने वाले सूर्यातप, पृथ्वी को प्राप्त होने वाले सूर्यातप, पृथ्वी को प्राप्त होने वाले सूर्यातप की मात्रा, की मात्रा तथा पृथ्वी द्वारा विभिन्न प्रक्रमों में, पृथ्वी द्वारा विभिन्न प्रक्रमों में लौटाए गए विकिरण की मात्रा की, मात्रा के संतुलन से है, विकिरण की मात्रा के संतुलन से। तो हमें इतनी सी बात पता ही है कि जो अर्थ है यह यहां पर सोलर रेडिएशन प्राप्त करती है लघु तरंग दैर्ध्य विकिरण, और यह पृथ्वी तक पहुंचता है या क्या होता है, फिर पृथ्वी इसे वापस करती है। तो पृथ्वी को प्राप्त होने वाले सूर्यातप की मात्रा और पृथ्वी द्वारा लौटाए गए विकिरण की मात्रा का जो लेखा जोखा है, जो अकाउंटिंग है, जो संतुलन है, इसी प्रक्रिया को पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं, ठीक है। अब इस ऊष्मा बजट की अगर हमें प्रक्रिया देखनी है तो हमें कुछ इस तरह से मानना होगा। मान लो यह अर्थ है, यह अर्थ है, पृथ्वी है, और इसका औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड का मान के चल रहा है, और यह यहां पर सूर्य है, सन, और यहां पर अर्थ का एटमॉस्फेयर, और कई चीजें हो सकती हैं, जैसे मान लो यहां पर क्लाउड्स हो सकते हैं, बादल हो सकते हैं, एटमॉस्फेयर में धूल कण हो सकते हैं, तो कुछ क्लाउड्स बनाए जा सकते हैं, यहां पर धूल कण वगैरह है, प्लस कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आइस कैप्स हैं, एंटोपिया है, ग्लेशियर्स हैं। ये अब हम यहां से मान के चलते हैं कि अगर हम ये माने
कि पृथ्वी को सूर्य से कुल 100 इकाई रेडिएशन प्राप्त हो रहा है। 100 विकिरण की कितनी मात्रा आ रही है? 100 यूनिट, 100 इकाइयां यहां पर आ रही हैं, इनको यूनिट्स लिख लीजिए सीधे, 100 यूनिट्स आ रही हैं। और जब 100 यूनिट्स इसमें से चलती हैं, तो इसमें से जब ये पहुंचती हैं, तो इनमें से 27 इकाइयां 27 यूनिट्स बादलों के ऊपरी छोर द्वारा परावर्तित कर दी जाती हैं। 100 चली थी, उनमें से 27 बादलों के ऊपरी छोर द्वारा परावर्तित कर दी गई हैं। इनमें से 6 यूनिट्स, 6 इकाइयां जो वायुमंडल में धूल का वगैरह निलंबित करके पदार्थ पाए जाते हैं, उनके द्वारा प्रकीर्णित कर दी जाती हैं, फैला दी जाती हैं, जो अंतरिक्ष में लौट जाती हैं। और इनमें से 2 इकाइयां, 2 यूनिट्स हिम टोपियों द्वारा या ग्लेशियर्स आदि द्वारा लौटा दी जाती हैं। तो जो 100 इकाई चलती हैं, उन 100 इकाई में से कुल 35 इकाइयां पृथ्वी पर पहुंचने के पहले ही, पृथ्वी की सतह पर या सतह द्वारा एब्जॉर्ब होने के पहले ही परावर्तित कर दी जाती हैं। अर्थात ये 35 इकाइयां जो अवशोषित नहीं हो रही हैं, सीधे परावर्तित कर दी जा रही हैं। ये क्या कहलाएंगी? पृथ्वी का एल्बिडो। ये क्या है? पृथ्वी का एल्बिडो। और इनका पृथ्वी के तापन में कोई योगदान नहीं होगा। अब यहां समझिए कि 100 इकाइयां चली हैं, और 100 इकाइयां जब चलेंगी तो उनमें से 27 इकाइयां बादलों द्वारा परावर्तित कर दी जाती हैं, 6 इकाइयां वायुमंडल में उपस्थित धूल कण आदि द्वारा स्कैटर कर दी जाती हैं, प्रकीर्णित कर दी जाती हैं, ये भी अंतरिक्ष की तरफ लौटेंगी, और 2 इकाइयां जो हिम टोपियां या हिमनद हैं, ग्लेशियर हैं, उनके द्वारा परावर्तित कर दिए जाते हैं। तो जो 100 इकाई सूर्य तप रहा है, उसमें से 35 इकाई पृथ्वी के किसी भी भाग द्वारा अवशोषित नहीं हो रहा है, वह वापस अंतरिक्ष की तरफ लौट रहा है। इन 35 इकाइयों को ही पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। एल्बिडो तो क्लियर हुआ, एल्बिडो हमने लिख लिया गया है, ठीक है, एल्बिडो हो गया। इसके बाद कितनी इकाइयां बच गई? 65। तो अब 65 इकाइयां जो चलती हैं यहां पर, उन 65 इकाइयों में से, उन 65 इकाइयों में से जो यहां पर 14 इकाइयां हैं, 14 यूनिट्स हैं, ये वायुमंडल में उपस्थित ओजोन गैस तथा अन्य गैसों द्वारा अवशोषित हो जाती है। सर्वाधिक ओजोन द्वारा, थोड़ी मात्रा अन्य गैसों द्वारा एब्जॉर्ब होती है। तो इसमें से 14 इकाइयां कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? वायुमंडल। और इसमें से 51 इकाइयां पहुंचती हैं कहां? पृथ्वी की सतह पर। 51 इकाइयां, 51 यूनिट्स, और पृथ्वी की सतह इन 51 इकाइयों को अवशोषित करती है, और इसी से पृथ्वी का स्थल और जलीय भाग का तापन होता है, या स्थल और जलीय भाग को ऊष्मा प्राप्त होती है। तो 100 इकाइयां चली, 100 इकाइयों में से 35 इकाइयां एल्बिडो के रूप में वापस अंतरिक्ष में चली गई हैं। अभी मैं सोचा अंतरिक्ष में गई तो कहां गई, क्या वापस आएंगी? नहीं, अंतरिक्ष में अभी अपनी अनंत यात्रा जारी रखेंगी। तो वापस ये वाली एनर्जी नहीं आने वाली है, हमको लगातार सूर्य से आने वाली ऊर्जा मिलेगी। जो ये गई, ये वापस फिर अर्थ में या अर्थ की तरफ एंट्री नहीं करती है। तो यहां पर 35 इकाइयां एल्बिडो के रूप में, 14 इकाइयां वायुमंडल की गैसों में अवशोषित होती है, और 51 इकाइयां पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, और पृथ्वी की सतह इन्हें अवशोषित करती है। इतनी बात क्लियर? आगे बढ़े। अब याद रखो, एक कहा जाए कि बॉडी होती है जिसे बोलते हैं कृष्णिका, वो होती क्या है? थोड़ा सा इसे सोच लेकर, उसको कहते हैं कृष्णिका, या अंग्रेजी में कहते हैं ब्लैक बॉडी। कृष्णिका या ब्लैक बॉडी, नाम है कृष्णिका, ब्लैक को ये जरूरी नहीं है, वी हैव ब्लैक बॉडी जैसा है। कैसे बनती है? हम ऐसा कोई भी पात्र ले लेते हैं जिसके आगे ऐसे त्रिभुजा का क्षेत्र डेवलप किया जाता है, वो इसलिए डेवलप किया जाता है कि इससे कोई रेडिएशन आए तो टकरा के वापस न जाए। अब अगर कोई भी इसके अंदर रेडिएशन गया तो वो रेडिएशन बाहर नहीं निकलता, इसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में टकराता है और पूरी तरह क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। और दूसरी खासियत, अगर इसे एक निश्चित तापमान पर गर्म किया जाए तो इसने जितना अवशोषित किया है वो पूरा करेगा, रेडिएट करेगा। इसका मतलब कृष्णिका वह वस्तु होती है जो निश्चित तापमान पर अपने पर आपतित समस्त विकिरण का अवशोषण करती है, और उसी तापमान पर समस्त विकिरण का क्या कर देती है? परित्याग कर देती है। अर्थात यही से कांसेप्ट आता है, जो अच्छे अवशोषक होते हैं वो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। और जो पृथ्वी है, पृथ्वी इसी पिंड की तरह कार्य करती है, इसी पिंड की तरह कार्य करती है का मतलब है पृथ्वी 15 डिग्री सेंटीग्रेड के औसत तापमान पर जितना रेडिएशन अवशोषित करती है, उतना अवशोषित रेडिएशन क्या है? पुनः वापस लौटाती है। किस तापमान पर? 15 डिग्री सेंटीग्रेड के अपने औसत तापमान पर, या 288 केल्विन। किताब में कहीं लिखा होगा 288 केल्विन, 273 जोड़ दोगे इसमें तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? केल्विन में। अब अगर अर्थ ने इतना अवशोषित किया है 51 यूनिट, तो 51 यूनिट को क्या करेगी? वापस करेगी। और अर्थ जब 51 यूनिट वापस करती है तो हमें पता है कि पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो दीर्घ तरंगदैर्ध्य विकिरण को क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं, संग्रहित करती हैं, कहा जाए इकट्ठा करती हैं, आसानी से बाहर नहीं जाने देती हैं। जब यह 51 यूनिट का परित्याग करती है तो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो 34 यूनिट्स 34 इकाइयों को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जब 17 इकाइयों को अंतरिक्ष की तरफ जाने देती हैं। अब ये स्टेटमेंट समझो आप, पृथ्वी की सतह ने 51 यूनिट एब्जॉर्ब किया, 51 यूनिट को यह दीर्घ तरंगदैर्ध्य विकिरण के रूप में क्या करेगी? छोड़ेगी। लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड आदि हैं, ये दीर्घ तरंगदैर्ध्य विकिरण को संग्रहित करती हैं, ये बाहर आसानी से जाने नहीं देती हैं, अवरोध का कार्य करती हैं। तो यहां पर 51 में से 34 इकाइयां अवशोषित हो जाती हैं, और 17 इकाइयां ही वायुमंडल को क्रॉस करके अंतरिक्ष में जा पाती हैं। इस प्रकार अब पृथ्वी का वायुमंडल पार्थिव विकिरण से कितने को इकट्ठा करता है? 34। अब खुद यहां देख सकते हो कि जो क्षोभ मंडल है, जो क्षोभ मंडल है वह सूर्य तक की कितनी इकाइयां अवशोषित करता है? 14, और पार्थिव विकिरण की 34। तो इसको कौन ज्यादा गर्म कर रहा है? सूर्यातप की पार्थिव विकिरण, पार्थिव विकिरण। इसीलिए हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि क्षोभ मंडल जो है वह सूर्यातप की तुलना में किससे ज्यादा गर्म होता है? पार्थिव विकिरण से। ये बात समझ में आ रही है ना? तो अब यहां पर देखा जाए तो पृथ्वी के वायुमंडल में विकिरण की कुल कितनी इकाइयां हो गई? 34 + 14, टोटल कितनी हो गई? 48। और वायुमंडल एक कंबल की तरह कार्य करता है, जो ये नहीं चाहता है कि पृथ्वी का टेम्परेचर एकाएक डाउन हो, लेकिन वह यह भी कोशिश करता है कि जो अवशोषित विकिरण है वह भी धीरे धीरे क्या हो, एटमॉस्फेयर में क्या हो, लौट जाए। तो वायुमंडल भी जो अवशोषित 48 इकाइयां हैं उनको भी वायुमंडल में धीरे धीरे क्या करता देता है, छोड़ देता है। इस प्रकार अगर हम वार्षिक रूप में देखें तो पृथ्वी को जो 100 इकाइयां प्राप्त होती हैं उनमें से 35 इकाइयां एल्बिडो के रूप में, 17 इकाइयां पृथ्वी द्वारा डायरेक्ट लॉन्ग वेव के रूप में, और
44 इकाइयां वायुमंडल द्वारा दीर्घ तरंग दैर्ध्य विकिरण के रूप में छोड़ी जाती हैं। तो अगर सूर्य से पृथ्वी को 100 यूनिट मिलता है तो लौटाया गया है 35+17+48 5, 7, 12, 12, 8, 20, 7, 2, 3, 2, 5, 1, 6, 4, 10। प्राप्त कितनी हुई, लौटाई कितनी गई, कितने टेम्परेचर पे, तो पृथ्वी का कितना टेम्परेचर रहेगा 15 डिग्री, अर्थात 15 डिग्री सेंटीग्रेड के अपने औसत तापमान पर पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्य तक और पृथ्वी द्वारा लौटाए गए विकिरण के मध्य संतुलन बना रहता है। इससे पृथ्वी न तो बहुत गर्म होती है और न पृथ्वी बहुत ठंडी होती है और यह औसत तापमान जीवों के अनुकूल होता है और इसी संतुलन को, उष्मा के इसी संतुलन को पृथ्वी का उष्मा बजट कहा जाता है। नहीं बस थोड़ा लिखते हैं, जाने समझ में आएगा, लिख लें ठीक है ना। लिखो ये डायग्राम किसी जगह पर बना लेंगे, थोड़े और तरीके से डायग्राम बना सकते हो, एक दूसरा ट्रिक लेगा ये बना लिया बहुत अच्छी बात है ना, दूसरा केवल टेस्ट चेंज करने के लिए होगा वही, लेकिन प्रेजेंटेशन थोड़ा ठीक हो जाएगा, ये समझाने के लिए ज्यादा था। 100 यूनिट्स, तो पहले बना लिया ठीक है, बस एक समझाने के लिए है, प्रक्रिया कुछ और नहीं। अभी 100 आ रहा है, जो वापस जा रहा है उसे माइनस में दे सकते हो, -35, -48, -17, ये इनकम हो गया और वो एक्सपेंडिचर हो गया। कोई भी नेट से देख सकते हो, एनसीईआरटी से देख सकते हो, ग्रीन वाली बुक है तो उससे देख सकते हो, कुछ अपना भी बना सकते हो, इसमें इनोवेशन की है, इनोवेशन करते हो। पढ़ाई तो चिंता मत करो ज्यादा, लोग चिंता ज्यादा करते हो। सूर्य से जो आती है उसे लघु क्यों कहते हैं, इससे दीर्घ क्यों कहते हैं, क्योंकि वो लघु होती है दीर्घ होती है, आप लघु होती है दीर्घ होती है, कैसे होती है वो देखो। देखो जो सन से आती है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं यहां पर, उनकी खासियत है इसमें कई तरंगें होती हैं। जैसे सूर्य से आती है तो गामा होती है, एक्स होती है, यूवी होती है, विजिबल होती है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये विजिबल होती है, इंफ्रा होती है, रेडियो होती है, रडार होती है, एंड सो ऑन। अब बात समझो, यहां पर जब सूर्य से जब आती है तो अब याद रखो, यहां से यहां आप ऐसे चलोगे, यहां से यहां चलोगे तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कम होती जाएगी और वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ती जाएगी। मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और आगे चलने पर फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है ना। यहां पर इतनी बात ध्यान दोगे, तो यहां पर जब गामा और एक्स आती है तो गामा और एक्स ये आयनमंडल तक एब्जॉर्ब हो जाती है, यहां पर ये आयनोस्फीयर तक क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। एक आयनोस्फीयर के बाद आपको गामा और एक्स नहीं मिलेगी। फिर यूवी जो आती है वो तीन होती है, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। तो यूवी बी और यूवी सी का एक बड़ा पार्ट जो होता है वो स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब बचती है यूवी और विजिबल, ये लघु तरंग दैर्ध्य विकिरण, लघु तरंग दैर्ध्य विकिरण, इवन दो इंफ्रा का भी एक पार्ट होता है, आप साइंस में पढ़ोगे नियर इंफ्रा, ये लघु तरंग दैर्ध्य विकिरण, इन्हीं की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें होती है, सूर्य तक। तो ये हमको सूर्य तक से क्या मिलती है, इंफ्रा वगैरह तो एब्जॉर्ब हो जाती है, वाटर वेपर में ये सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं एब्जॉर्ब होती, तो यही क्या होती है, यही पृथ्वी की सतह तक आती है और यहां तक की जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लघु तरंग दैर्ध्य विकिरण। साइंस प्रॉब्लम की वैल्यू वगैरह देखोगे ये कहलाता है लघु तरंग दैर्ध्य विकिरण। तो जो सन से हमको रेडिएशन मिलता है उसका अधिकांश पार्ट इसका बना होता है, जो कि लघु तरंग दैर्ध्य विकिरण के अंतर्गत आता है। अब जब अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है तो अर्थ जो छोड़ती है वो किस रेंज का होता है, इंफ्रा अवरक्त का, और अवरक्त की रेंज क्या होती है, लॉन्ग वेव रेडिएशन, अवरक्त क्या है, लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो ये जो छोड़ती है यह अवरक्त छोड़ती है, और चूंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो पार्थिव विकिरण क्या हो गया,
लॉन्ग वेव, दीर्घ तरंग का विकिरण, और ये क्या हो गया शॉर्ट वेव। तो जो रेडिएशन हमको ज्यादा मिलता है सन से वो शॉर्ट वेव साइड में है, इसीलिए जो सन से रेडिएशन हमको मिलता है जिसे हम सूर्यातप कहते हैं ना, उसे आप क्या लिख सकते हो यूवी, अल्ट्रावायलेट, राइट, यूवी बोल सकते हो। और जो अर्थ से जाती है दीर्घ तरंग दैर्ध्य, उसे क्या बोल सकते हो औरत, इंफ्रा, औरत या इंफ्रा आप बोल सकते हो, राइट। और हमने आपको एक बात और बताई थी, लगता है वो भूल गए, कि दो पिंड होंगे, एक का टेंपरेचर ज्यादा और एक का टेंपरेचर तुलनात्मक रूप में क्या हो कम हो, तो प्लैंक के नियम के अनुसार E is equal to SC upon lambda और T is inversely proportional to lambda। जो भी सतह जितनी गर्म होगी अपने अंदर से उतना लघु तरंग दैर्ध्य विकिरण निकालेगी, लिखा है कि नहीं कुछ है, राइट ये। या फिर यहां पर एक वीन का नियम भी आता है, वीन का नियम आता है लैम्डा एम टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हियर टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा एम, वीन का भी नियम आता है। उससे भी है कि टेम्परेचर और लैम्डा में क्या है उल्टा संबंध है, किसी भी तरह से बता दो तो बेवकूफ है क्या करो, है ना। देखो कभी भी इस एग्जाम की तैयारी के दौरान किसी से आपको बहस नहीं करनी, क्योंकि उस स्तर तक आप नहीं गिर सकते हैं जिस स्तर तक वो नहीं जानते हैं, तो फिर वो उस हिसाब से आके आपको वहां तक लेके आएंगे, आपको दुखी करेंगे, ध्यान दुखी नहीं। बाकी रेडिएशन आप साइंस में पढ़ेंगे, जब आपको सर पढ़ाएंगे मेरे मित्र पढ़ाएंगे आपको, तो फिर जब आप वहां पढ़ेंगे आप साइंस वहीं पढ़ो, बाकी गूगल पढ़ोगे, लिखो उसमें लिखो माना माना लिखा जो माना पृथ्वी को सूर्य से, पृथ्वी को सूर्य से माना, पृथ्वी को सूर्य से 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स, तो सूर्य से 100 यूनिट्स सौर विकिरण प्राप्त होता है, सौर विकिरण है सूर्य का प्रोड्यूस, सौर विकिरण प्राप्त होता है, जिसमें से 35 यूनिट्स बिना पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित हुए वापस अंतरिक्ष में, वापस अंतरिक्ष में लौटा दी जाती है, जिसे पृथ्वी का एल्बिडो या परावर्तन गुणांक, पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है, एल्बिडो कहा जाता है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। नंबर एक, बादलों द्वारा 27 यूनिट्स, वायुमंडलीय धूल कणों द्वारा 6 यूनिट्स, हिम टोपियों द्वारा 2 यूनिट्स, शेष 65 यूनिट्स में से, शेष 65 यूनिट्स में से 14 यूनिट्स, यूनिट्स की इकाइयां भी लिख सकते हो, 14 यूनिट्स वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती हैं, ओजोन द्वारा जो कुछ अवशोषित हो अवशोषित होती हैं, तथा शेष 51 यूनिट्स पृथ्वी की सतह अवशोषित करती है, 51 यूनिट्स पृथ्वी की सतह अवशोषित करती है, जिससे स्थलीय और जलीय क्षेत्रों का तापन होता है, स्थलीय और जलीय क्षेत्रों का तापन होता है। कितनी बात समझ आ गई, एक प्रश्न आया, अच्छा प्रश्न है, यदि 100 यूनिट्स वापस लौटा दी जाती है तो पृथ्वी ने अपना औसत तापमान 15 डिग्री कैसे प्राप्त किया। इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप अपना बजट बना रहे हो, लेट अज्यूम आपके पास लगातार पैसा आता जा रहा है किसी तरह, तो आपने अगर मान लो 35 लाख मान लेते हैं ऐसे 15 लाख कर लो, 15 लाख आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, अब आप निश्चिंत हो गए, अब आपने तय किया जितना आएगा उतना खाऊंगा, राइट, क्योंकि इतने पर आपका आत्मविश्वास क्या है बरकरार। उसी तरह अर्थ का है, जो भी ब्लैक बॉडी, जो हमने आपको बताया जो भी ब्लैक बॉडी होती है, हर ब्लैक बॉडी के लिए एक निश्चित टेम्परेचर होता है, एक सर्टेन टेम्परेचर होता है जो उसकी संरचना पर निर्भर करता है। और हमें पता है कि अर्थ पहले अराउंड 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास गर्म थी या ठंडी होने लगी, ठंडी होने की प्रक्रिया में जब यह 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंची है तभी यह प्रक्रिया क्या हो गई सेट, तभी यह प्रक्रिया क्या हुई है स्थापित हुई है। ठंडे होने के क्रम में पृथ्वी के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है जिस पर यह जितना प्राप्त करेगी उतना क्या करेगी वापस करेगी, राइट, एट गिवन टेम्परेचर गिवन कंडीशन। तो इसको यह टेम्परेचर कैसे मिला होगा, इसको यह टेम्परेचर मिला होगा सूर्य से अपनी धुनी के कारण और यहां पर बनने वाले वायुमंडलीय आवरण के कारण। इसका जो वायुमंडल है, इसके वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना, जो आदर्श कंडीशन जो हम लोगों ने लिखी है शुरू में, ये गैसें ही इसके 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के लिए क्या है उत्तरदायी है। अगर ये गैसें ना हो तो पृथ्वी का औसत तापमान कितना होगा -18 डिग्री सेंटीग्रेड, औसत तापमान -18 औसत है, ये सोचो कहां कितना और कम हो सकता है, राइट। तो ग्रीन हाउस गैसों का एक निश्चित आवरण जैसे डेवलप हुआ, जैसा वायुमंडल डेवलप हुआ, और जैसे ही पृथ्वी का एवरेज टेंपरेचर कितना पहुंचा 15
वैसे ही अर्थ में यह प्रक्रिया क्या है, स्टैब्लिश हो गई। अब यह जितना प्राप्त कर रही थी उतना क्या कर रही थी, लौटा रही थी, और यह तब तक होता रहेगा जब तक कि हम इसमें इन चीजों को क्या करेंगे, कांस्टेंट बनाए रखेंगे। और अगर इसमें अंतर आएगा तो फिर इसका उष्मा बजट क्या है, गड़बड़ा जाएगा। और जैसे उष्मा बजट गड़बड़ा जाएगा, या तो हम ग्लोबल वार्मिंग से गुजर रहे होंगे या ग्लोबल कूलिंग की भी कंडीशन हो सकती है, भाई दोनों कंडीशन यहां पर क्या है, पॉसिबल है। तो पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया में जब इतना टेंपरेचर अर्थ को मिल गया, उसी दौरान उसने जो प्रक्रिया डेवलप की है सूर्य तक प्राप्त करने की और लगाने की, उसी से इसके उष्मा बजट का स्तर क्या हुआ है, निर्धारित हुआ है। ठीक है, पृथ्वी 15 डिग्री सेंटीग्रेड के औसत तापमान पर, पृथ्वी 15 डिग्री सेंटीग्रेड के औसत तापमान पर, औसत तापमान पर एक कृष्णिका की तरह कार्य करती है, ब्लैक बॉडी कृष्णिका की तरह कार्य करती है, एक कृष्णिका की तरह कार्य करती है। अतः यह सूर्य तक की अवशोषित 51 इकाइयों का या 51 यूनिट्स का, 51 यूनिट्स का दीर्घ तरंग दैर्ध्य विकिरण के रूप में, दीर्घ 51 यूनिट्स का दीर्घ तरंग दैर्ध्य विकिरण के रूप में, अब इसे आवृत्त भी लिख सकते हो, दीर्घ तरंग दैर्ध्य विकिरण के रूप में निष्कासन करती है, निष्कासन करती है, जिनमें से 34 यूनिट्स वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित होती है, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित होती है, जबकि 17 यूनिट्स सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है, सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है, वायुमंडल में विकिरण की कुल 48 यूनिट्स 14 सूर्य तक प्लस 34 पार्थिव विकिरण, ब्रैकेट में कि 48 यूनिट्स ब्रैकेट में 14 सूर्य तक प्लस 34 पार्थिव विकिरण संग्रहित होती हैं, जिन्हें वायुमंडल धीरे धीरे अंतरिक्ष में विकृत कर देता है। इस प्रकार प्राप्त सूर्य तत्व और लौटाए गए विकिरण में संतुलन बना रहता है, लौटाए गए विकिरण में संतुलन बना रहता है, जिससे पृथ्वी न तो अधिक गर्म होती है और ना ही अधिक ठंडी, ना तो अधिक गर्म होती है और ना ही अधिक ठंडी। अलबत्त और देखो, ये लिखना नहीं है, बस आप ध्यान रखोगे कि अगर हम यहां पर 51 यूनिट्स जो अर्थ की है, जो अर्थ अपनी सतह से जो वापस करती है 51 यूनिट्स, उन 51 यूनिट्स में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि उष्मा स्थानांतरण की कई विधियां होती हैं, तो उनमें से 23 इकाई 23 यूनिट्स या रेडिएशन के माध्यम से निकालती है, रेडिएशन के माध्यम से यहां पर यह निकालती है, 9 यूनिट्स कन्वेक्शन के माध्यम से यह निकालती है संवहन, और 19 यूनिट्स यह निकालती है कंडेंसेशन, गुप्त ऊष्मा के रूप में जाता है और ऊपर जाकर एटमॉस्फेयर में या कंडेंसेशन की प्रक्रिया में गुप्त ऊष्मा को फिर सेंसिबल हीट में क्या करती है, ट्रांसफर कर देती है, दोनों देखा राइट, गुप्त ऊष्मा लेके गई और फिर वाटर वेपर कंडेंस हो गई, तो ऊपरी वायुमंडल में या गुप्त ऊष्मा सेंसिबल हीट के रूप में क्या है, छूट जाती है। ठीक है, और इन्हीं 23 में से 17 सीधे निकल जाती है कहां, अंतरिक्ष में स्पेस, और 6 रह जाती है कहां पर, वायुमंडल में। तो टोटल वायुमंडल में 51 में से रह जाती है 6 यहां पे, 9 इसकी और 19 इसकी, और टोटल करोगे तो मेरे समझ में 34 आ जाना चाहिए, इसे क्या लेगा 34। ये बस इसलिए समझाने के लिए दिया है कि कई बार हो सकता है 51 का कुछ डेटा पीटी में पूछ ले, तो आप याद रखोगे कि जो अर्थ 51 यूनिट एब्जॉर्ब करती है उसे उष्मा स्थानांतरण की विभिन्न विधियों द्वारा छोड़ती है, उसमें से सबसे ज्यादा जो स्थानांतरण की विधि सक्रिय होती है, जो मैं आपको पहले बताया था कि सबसे ज्यादा कौन महत्वपूर्ण है, विकिरण रेडिएशन, और उसमें देख रहे हो सबसे ज्यादा 23 किसमें जा रही है, रेडिएशन में जा रही है, राइट, 6 9 कन्वेक्शन में जा रही है, और 19 संघनन की उष्मा के रूप में संघनन की गुप्त ऊष्मा रिलीज होती है उस संदर्भ में पहुंचती है। तो ये 51 का क्या है, ये 51 का लिखा चुका है, लेकिन जीएस में इतना डीप आपको नहीं जाना है, एक आइडिया जरूर रखना है कि अच्छा उष्मा स्थानांतरण अब इस रूप में हो रहा है, राइट। तो ओवरऑल देखें तो यहां पर 100 आया, 35 चला गया एल्बिडो के रूप में, यहां पर 17 चला गया डायरेक्ट, और 48 चला गया वायुमंडल द्वारा। तो यहां पर प्राप्त किया गया विकिरण इज इक्वल टू लौटाया गया विकिरण, और ये स्थिति बनी रहेगी तो पृथ्वी अपने एक कांस्टेंट टेंपरेचर पे बनी रहेगी, ना तो बहुत गर्म होगी ना तो बहुत ठंडी होगी। लेकिन ये उष्मा बजट जो बनाया गया है, इसकी कुछ खामियां हैं। पहली तो खामी ये है कि इसे मापा नहीं जा सकता, इसे कैलकुलेट किया जाता है, कहां जाके आप मापेंगे कितनी हीट गई कितनी आई, तो हम विभिन्न डेटा को लेकर कैलकुलेट करते हैं।
और जब हम कैलकुलेट करते हैं विभिन्न डेटा को लेने के लिए, इसलिए इसमें निष्ठता क्या है बनी रहती है, इसलिए एक उष्मा बजट नहीं है, होगा तो 100 = 100, लेकिन बहुत सारे तरीके से उष्मा बजट को प्रस्तुत किया जाता है। तो बहुत सारे तरीके उष्मा बजट को प्रस्तुत किए जाने की, यह जो उष्मा बजट है या त्रिवाता साहब का, और कहा जाए तो एनसीईआरटी ने इसी उष्मा बजट को क्या दिया है प्राथमिकता, इसलिए जीएस में मैं आपसे इसी उष्मा बजट पर आपसे चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसी उष्मा बजट को प्रोवाइड किया गया है। नहीं तो उष्मा बजट कई तरीके के होते हैं, अल्टीमेटली आया इज इक्वल टू गया, लेकिन आने कितना कहा गया उसका डिस्ट्रीब्यूशन हर विद्वान ने अपने हिसाब से बनाया है, तो पहली बात ये। दूसरी बात, जो उष्मा बजट हम प्रस्तुत करते हैं यह उष्मा बजट मानव हस्तक्षेप रहित वायुमंडल में, अर्थात हम ये मान के चलते हैं कि इस वायुमंडल में मानव ने किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया है, आदर्श दशाओं के अंतर्गत हम इसको मान के चलते हैं, या यथार्थ की जगह आदर्श ज्यादा है। इसके अलावा हमने जब वापस किया तो वापस करने में एक दो चीजें नहीं, आने में तो हमने बादलों को सो किया, यहां हमने बादलों को काउंट नहीं किया, क्योंकि बादल जो होते हैं जो लॉन्ग वेव रेडिएशन जाता है उसका एक बात क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं काउंटर रेडिएशन, प्रतिलोमी विकिरण, काउंटर रेडिएशन। हमने कहीं भी रिफ्लेक्टिव रेडिएशन की बात नहीं कही है कि यह जो पार्थिव विकिरण जमा था रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गया, हमने ये कहीं भी नहीं कही, हमने कहा सप्लाई चला गया और बाकी एटमॉस्फेयर में क्या हो गया, अब्सॉर्ब हो गया, एटमॉस्फेयर में संग्रहित हो गया, हमने वापस आने वाले पार्थिव विकिरण सीधा जाता है, सीधा जाएगा, राइट, हमने कहीं भी नहीं कहा कि यह क्या हो रहा है रिफ्लेक्ट, जिसे सीधा जाना चाहिए यदि रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाए तो यह अपनी प्रकृति का उल्टा कर रहा है, तो यह कैसा रेडिएशन कहलाता है, काउंटर रेडिएशन। हमने इसमें कहीं भी काउंटर रेडिएशन शामिल नहीं किया है, जबकि आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज ने बादलों को नॉन गैसियस ग्रीन हाउस एजेंट कहा है, ये नॉन गैसियस ग्रीन हाउस एजेंट है, इनका भी इंपैक्ट किसी भी सतह के तापमान की प्रक्रिया पर पड़ता है, राइट। तो इस उष्मा बजट की इतनी कमियां हैं, इन कमियों को दूर कर एक बेहतर उष्मा बजट लाया जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में हम ये देख रहे हैं कि उष्मा बजट की यह दशा प्राप्त नहीं हो रही है, अगर यह दशा होती तो पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि न होती, औसत तापमान में वृद्धि न होती तो ग्लेशियर न बिगड़ते, ग्लेशियर न बिगड़ते, इसके अलावा वायुमंडलीय दशाओं में अवांछनीय परिवर्तन न होते, वर्षा के पैटर्न में अवांछनीय परिवर्तन नहीं होते, जबकि ये सब वर्तमान में देखे जा रहे हैं, अर्थात पृथ्वी के उष्मा बजट में कुछ परिवर्तन हुआ है जिसे अभी तक गणना में लिया नहीं गया है, जिसे गणना में लिया जाना अनिवार्य प्रतीत होता है। बस समझना, थोड़ी सी बात आगे, बाकी मौका मिले तो बात अधिक तार्किक उष्मा बजट
की आवश्यकता प्रतीत होती है। क्लियर, ये हो गया यहां पर उसमें बजट। एक क्वेश्चन लिख लो, यहां पर क्वेश्चन लिखे उष्मा बजट की संकल्पना का संक्षिप्त विवरण देते हुए, संक्षिप्त विवरण देते हुए उन कारणों पर चर्चा कीजिए जिनके अधीन पृथ्वी के उष्मा बजट में सामान्य से विचलन की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, विचलन की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। 250 शब्द। अब देखो इसके दो पार्ट हैं, दूसरे पार्ट पे कुछ काम करोगे, साइकोलॉजी एनवायरनमेंट में डिस्कस करूंगा, क्योंकि यूपीएससी अब एक काम कर रही है, पेपर थ्री के क्वेश्चन पेपर वन में आ रहे हैं, राइट। तो पेपर थ्री का कोई भी मटीरियल अगर पेपर वन में जुड़ता है तो उसे आपको पेपर वन के साथ ही तैयार करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर एक पार्ट है जो उष्मा बजट जो सीधे पेपर वन में है, और दूसरा बजट जो है वो पेपर थ्री का है। मतलब मोटे तौर पर हम वो कारण जानना चाह रहे हैं जो भूमंडलीय तापन के लिए क्या है, उत्तरदायी, राइट। वो कारण यहां पर जानना चाह रहे हैं, थोड़ा सा घूमोगे तो यहां पर मिल जाएगा। तो पहले यहां पर हमेशा ध्यान रखो दो पार्ट है, पहले में उष्मा बजट पर संक्षिप्त में फोकस रहना है, परिचय आप उष्मा बजट की परिभाषा के साथ और उष्मा बजट की संक्षिप्त प्रक्रिया में डायग्राम पर ज्यादा फोकस रहेंगे, विस्तार थोड़ा कम कर देंगे, और दूसरे में उष्मा बजट से विचलन के कारण। अब याद रखो आपके पास इन सब चीजों से संबंधित कुछ डेटा होने चाहिए, इकोलॉजी मार्क डेटा में लिखा दूंगा कहीं, कुछ डेटा होने चाहिए। ये सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा कि विचलन हो गया है ना, तो कह रहा है तो वही होगा, विचलन हुआ है उसको आप ऑथेंटिसिटी देंगे। ऑथेंटिसिटी देने के कई तरीके हो सकते हैं, या तो आपने कोई रिपोर्ट पढ़ी है हाल ही में, या फिर कोई ऐसी संधि या ट्रीटी हुई है जिसमें कोई चिंता जताते हुए कोई टारगेट सेट किया गया है, या सिंपल टेम्परेचर वेरिएशन का कोई विश्वसनीय डेटा आपके पास है ना। देखो फैक्ट बेस्ड आपका आंसर नहीं होना चाहिए, बट फैक्ट सपोर्टेड जरूर होना चाहिए। फैक्ट सपोर्टेड आंसर आपको ज्यादा मार्क्स फेच कराएगा किसी और की तुलना में। तो यहां पर जो भी कोई ऐसा आता है, कोई भी ऐसी रिपोर्ट है, कोई ट्रीटी है, कोई डेटा है, राइट, लेकिन स्रोत विश्वसनीय, जब आप लगातार पढ़ोगे बहुत सारी चीजें तो आप इन सब स्रोतों से गुजरोगे जहां पर इस तरह के डेटा आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। तो कुछ डेटा आपके पास हमेशा होने चाहिए जो आप कई जगह उसे सपोर्ट कर पाए, ठीक है ना। तो आप ऐसे डेटा को ढूंढ के भी यहां पर काम कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके पास है, इसे थोड़ा ढूंढो, देखो, ठीक है। देखो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर इन द सेंस कुछ कई चीजें खुद ढूंढनी पड़ेगी, राइट। मैंने देखा था, शिकंजू जी देख रहा था मैं, तो उसमें चानू जी ने स्वर्ण जीता, तो मैं यही देख रहा था जब सब उठा रहे थे 72, 74, 76, चानू जी ने सीधे आके वेट उठाया 87 के, 10 काउंटर मारा पहले राउंड में, 10 काउंटर। जब सब जूझ रहे हो यहां तो आपका प्रदर्शन हो यहां, तो कौन गोल्ड से रुकेगा, राइट। लेकिन इसके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। फिर जब दूसरा राउंड आया तो दूसरे राउंड में पहले नहीं, उन्हें 100+ उठा के गोल्ड जीत लिया पहले ही राउंड में, पहले ही लिफ्टिंग में। अब वो चाहती तो अब दूसरे और तीसरे अटेम्प्ट में उनको आने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि गोल्ड भारत का हो चुका था, सबने अपने अटेम्प्ट निकाल लिए थे, उन्होंने वही अटेम्प्ट में सब बराबर करके सबको आउट कर दिया था। लेकिन नहीं, वो इतने पे नहीं रुकी, उन्होंने अगला टारगेट रखा 109 kg, सेकंड भी उठाया, थर्ड से ऊपर रखा, कोई जरूरत नहीं उठाने की, गोल्ड आ चुका था। हमें अधिकांश लोग ऐसे ही है, जब हमें कुछ मिल जाता है तो हम सेटिस्फाई हो गया, बस आज हमने 2 घंटे पढ़ लिया, बहुत हो गया, 3 दिन चलाएंगे, पता है परसों 2 घंटे लगा पड़ा और 3 दिन अगला इसी पर निकल जाए। यद्यपि तीसरे वाले में सफल नहीं हुई, राइट, सफल नहीं हुई, लेकिन ये एटीट्यूड करता है कि सफलता मात्र एक पड़ाव है, यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट। तो जब तुम आसमान का लक्ष्य रखोगे तो खजूर तक रखी जाओगे कम से कम, और वो ऊंचाई पौधों से पर्याप्त होगी, बाकी समोगा के पेड़ पे, बाकी सामान के पेड़ पे, तुम सीधे ऊपर टेट लटके हुए, दैट इज गुड, दैट इज गुड हाइट, है ना। तो ये वाली चीजें ना आपको ढूंढनी पड़ेगी, और पर्याप्त देखा पड़ा हुआ है, यूएनईपी के साइट पे जा सकते हो, जो हमने आपको यहाँ पर बताया, डाउन टू अर्थ पे जा सकते हो, ये वाली जो चीजें यहाँ पे साइट पे होंगी, इन्हें लिखना, देखेंगे सकते हो क्या किया जा सकता है। तो अब ये हो गया संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में, कि पूरी पृथ्वी जो है वह जितना रेडिएशन प्राप्त करती है उतना विभिन्न प्रक्रिया में वापस करती है, अर्थ के संदर्भ में, राइट। जैसे हम लोगों ने टेस्ट दिया था, वो पूरे लोग बच्चों का एवरेज निकाले, बोले एवरेज 20 आ गया, तो क्या सबको 20 नंबर मिले, क्या किसी को सकता है 40 मिला, किसी को माइनस में मिला, नहीं ऐसा हो सकता है। तो अगर कहते हैं कि आपका उष्मा बजट संतुलित मान लो, जितना प्राप्त कर रहे हो उतना लगा रही है, तो क्या पूरी पृथ्वी पर ये हो रहा है, क्या पूरी पृथ्वी का हर एक भाग क्या जितना पा रहा है उतना लगा रहा है, क्या नहीं, कुछ भाग ज्यादा पा रहे हैं कम लगा रहे हैं, और कुछ कम पा रहे हैं ज्यादा लगा रहे हैं, जो कम पा रहा है ज्यादा लगा रहा है अंदर की निकाल दिया तो ठंडा रहेगा, और जो लगातार ज्यादा पा रहा है लगा रहा है तो क्षेत्र क्या होंगे, गर्म होंगे, तभी तो हम बांट पाएंगे ना, उष्ण उपोष्ण शीतोष्ण शीत, ये क्यों आएंगे, क्योंकि इनके बजट में अंतर है, एक का बजट सरप्लस का है और एक का बजट डेफिसिट का है, एक का अधिशेष का है, उष्मा के अधिशेष का बजट है और दूसरे क्षेत्रों का बजट उष्मा के ह्रास का बजट है, इसलिए कहीं पर हमें तापमान ज्यादा मिलता है, कहीं पर तापमान कम, नहीं तो हमारे तापमान क्या मिला चाहिए था, ऐसा तो पता है, तो इसलिए हमको पृथ्वी के कुल उष्मा बजट के बाद एक और उष्मा बजट देखना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं अक्षांशीय उष्मा बजट, लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस, नेक्स्ट लिखो अक्षांशीय उष्मा बजट, लैटिट्यूडनल हीट बजट,
सी है उषमा बजट। इसमें लिखे पृथ्वी के उषमा बजट द्वारा, पृथ्वी के उषमा बजट द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है, यह स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है कि पृथ्वी पर, पृथ्वी पर उष्मा प्राप्ति, उष्मा प्राप्ति और उष्मा निष्कासन, उष्मा निष्कासन के मध्य, के मध्य संतुलन पाया जाता है, के मध्य संतुलन पाया जाता है। किंतु उष्मा का यह संतुलन, यह संतुलन भूपृष्ठ पर सर्वत्र संभव नहीं है, भूपृष्ठ पर सर्वत्र संभव नहीं है। ऐसे क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां प्राप्त सूर्या तक की मात्रा, प्राप्त सूर्या तक की मात्रा लौटाई गई उष्मा से अधिक होती है, अधिक होती है, वहां ताप आधिक्य, थर्मल सरप्लस भी कह सकते हो, ताप आधिक्य की दशाएं निर्मित होती हैं। जबकि जिन क्षेत्रों में इसके विपरीत स्थितियां होती हैं, इसके विपरीत स्थितियां होती हैं, वहां ताप न्यूनता, टेम्परेचर डेफिसिट लिख सकते हो, टेम्परेचर डेफिसिट, ताप न्यूनता की स्थिति पाई जाती है, ताप न्यूनता की स्थिति पाई जाती है। मान लो अगर ये इक्वेटर है, जब मैं आपसे कह रहा हूं एल्बेडो वगैरह बादल वादल का, वो बादल सारे छो मंडल वाले हैं, ऊपर नीचे वाले मार्क पॉइंट पे बादल नहीं है। मान लो ये इक्वेटर है और यहां पर मान लो 90 डिग्री नॉर्थ, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये 90 डिग्री साउथ, ये पूरा सदर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर। और इधर अगर हम देखें हीट कंटेंट या तापमान के बढ़ने की स्थितियां इस वाले पर ऊपर की तरफ है, तो जो ऑब्जर्वेशन है वो अगर नॉर्मल ऑब्जर्वेशन देखें तो पोल की तरफ प्राप्त सूर्या तक की मात्रा कम होती है और जो इक्वेटर है उधर प्राप्त सूर्या तक की मात्रा क्या है, ज्यादा होती है। इक्वेटर पर अगर लगभग 320 वाट पर मीटर स्क्वायर सूर्या तक प्राप्त हो रहा होता है तो पोल पर केवल लगभग 70 वाट पर मीटर स्क्वायर सूर्या तक प्राप्त हो रहा होता है। अगर यहां 100% है तो वहां 40% है, उससे कम का प्राप्त हो रहा होता है। तो यहां पर अगर हम ये देखें तो ये इक्वेटर है, तो यह यहां पर हम मैक्सिमम मान के चलते हैं और फिर इसके बाद अब हम देखते हैं कि कहां से कितना लौटता है। तो अब सोचो प्राप्त सूर्य तक अगर हम देखें तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच सर्वाधिक होना चाहिए, क्योंकि यही वो क्षेत्र है जहां वर्ष में कर्क और मकर रेखा पर एक एक बार सूर्य लंबवत होता है और इनके बीच में वर्ष में दो बार लंबवत होता है, और यही सूर्य के क्रियाकलाप का क्षेत्र है और सूर्य की किरणें बहुत तिरछी नहीं है, तो यह सबसे ज्यादा सूर्य तक प्राप्त करता है। 23.5 के बाद देखेंगे तो सूर्य की किरणों का तिरछापन ज्यादा होता चला जाता है, और तिरछापन ज्यादा चला, तिरछापन ज्यादा बढ़ता है तो दो चीजें हो जाती है, एक तो तिरछेपन से प्राप्त सूर्य तक की मात्रा में कमी आती और दूसरा एल्बिडो क्या है बढ़ता जाता है, एल्बिडो बढ़ता जाता है, अर्थात वो प्राप्त भी कम कर रहा था और लौटाने में भी क्या हो गया है आगे हो गया है, इसलिए वहां संग्रहित उष्मा की मात्रा कम हो जाती है। और दूसरी तरफ जब हम 23.5 वगैरह के आसपास रहेंगे तो यहां सूर्य किरण क्या है सीधी, तो यहां एल्बिडो तुलनात्मक रूप में क्या होगा कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप और पोल की तरफ चलो तो एल्बिडो न सिर्फ तिरछेपन के कारण बढ़ता है बल्कि हिमनदों आदि के कारण भी एल्बिडो की मात्रा क्या है और बढ़ती चली जाती है। तो यहां पर जो स्टडी की गई है वो स्टडी ये बताती है कि पहला ये तो जो ये ब्लैक कलर से जो है यह प्राप्त सूर्या तक की मात्रा है, और दूसरा जो यहां रेड कलर से है वो है लौटाया गया सूर्या तक, सॉरी लौटाया गया विकिरण, कितना मिला एब्जॉर्ब किया फिर उसे कैसे लौटा है। तो अब यहां पर एक चीज देखने को मिलती है कि यहां पर 40 डिग्री, यहां पर यह 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ, 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ के बीच प्राप्त सूर्या तक, यहां पर देखो ये ऊपर देखो ये सूर्या तक है और ये लौटाया गया विकिरण, लौटाया गया विकिरण। अब ध्यान से देखो तो यहां पर प्राप्त सूर्य तक क्या है ज्यादा है और लौटाया गया विकिरण क्या है कम है लेकिन, तो इसलिए यहां पर जब प्राप्त ज्यादा किया गया है और लौटाया कम गया है तो यहां पर हीट क्या होगी स्टोर होगी, तो यह तापाधिक्य का क्षेत्र हो जाएगा, ताप अधिकता का क्षेत्र। और दूसरी तरफ 40 डिग्री के बाद जब हम देखते हैं तो यहां सूर्य तक कम मिला है और वापस क्या है ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए यहां पर लौटाया गया विकिरण ज्यादा है और लौटाया गया विकिरण ज्यादा है तो यह क्षेत्र किसका है तापमान न्यूनता का क्षेत्र बन जाता है। समझ में आ रहा है क्या, एक बार फिर देखो इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो।
ब्लैक वाली लाइन, यहाँ पर जो ब्लैक वाला कर्व गया है प्राप्त सूर्यांत की मात्रा है, इक्वेटर से पोल की तरफ कम होती है, राइट। फिर विभिन्न अक्षांशों पे लौटाए गए विकिरण जितना आ रहा है उसमें से वापस कितना जा रहा है, तो 40 डिग्री तक प्राप्त ज्यादा होता है और लौटता कम है, राइट। स्टोर ज्यादा करते हैं और लेकिन 40 डिग्री के बाद प्राप्त कम होता है, लौटता क्या है, ज्यादा है। इसलिए यह तापमान अधिकता का क्षेत्र है और यह ताप न्यूनता का क्षेत्र है। इसका मतलब है कि एक जगह धनात्मक बजट है तो एक जगह ऋणात्मक बजट है। यह ताप न्यूनता का क्षेत्र हो गया और यह ताप अधिकता का क्षेत्र हो गया। ठीक है, लेकिन ज्यादा रेडिएशन कितने मिलेगा, ज्यादा रेडिएशन कितने मिलेगा, साढ़े सूर्य पर डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादा रेडिएशन इक्वेटर से 23:30 तक मिलेगा कि उसके बाद मिलेगा, 23:30 तक मिलेगा ना। सो कहीं भी रहेगा सूर्य, कहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा सूर्य, 23:30 नॉर्थ और 23:30 साउथ के बीच में रहेगा, किसी और जगह की तुलना में। यहाँ सूर्य की किरणों का कोण कम तिरछा होगा ना, किसी और की तुलना में सूर्य की किरणों का कोण क्या होगा, सीधा होगा, और साल में दो बार सूर्य की किरणें क्या होंगी, लंबवत होंगी। तो कहीं और की तुलना में यहाँ प्राप्त सूर्य की मात्रा क्या है, ज्यादा है, जितना मिलता है उससे कम लौटा पाता है, ठीक है। और जगह लगातार तिरछा पड़ा है तो और लौटे, तो जो तिरछा पड़े वो 40 के बाद ही ज्यादा पड़ता है। नहीं, थोड़ा सा कर लो, नहीं कितना नहीं, बराबर ही रहेगा, मतलब इधर वाला झुका उठा दे, वैसे बराबर ही करना, पूरा चला जाएगा। आमिर खान से प्रेरित हो गया, आऊंगा ठीक है, काम नहीं तो और ऊपर जाना चाहिए, लेकिन 90 के बाहर कहां जाएगा, तो 90 के बाहर नहीं जाना चाहिए, 90 तक लिमिटेड रखना इसको। अभी वाले जो टॉपिक है ना, मेंस के साथ पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट यहां से आते हैं और आगे आते भी रहेंगे स्टेटमेंट, ये सब इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वाले एरिया है। देखो एनसीईआरटी में फोकस करो, मैं ये ज्योग्राफी के लिए क्यों बोलता हूं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि एनसीईआरटी दो गुण जिंदगी की है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एनसीईआरटी कभी भी आप कोई ये नहीं दावा करेंगे कि हम एग्जाम निकलवा देंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पोलियो ड्रॉप और मां का दूध कभी ये नहीं कहता कि हम तुम्हें उसे गोल्ड बना देंगे, है ना। हाँ, लेकिन ये कहता है कि तुम्हें पोलियो नहीं होने देंगे, तुम्हारा इम्यून सिस्टम क्या रहेगा, मजबूत रहेगा, जब कुछ लोग चल नहीं पाएंगे तब तुम जरूर चलोगे, ये कहें फिर आपकी प्रैक्टिस पे है कि आप उसे गोल्ड बन जाओ या क्या बन जाओ, है ना। तो ज्योग्राफी में जब तुम जीएस में एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो अच्छे नंबर ज्योग्राफी में नहीं आएंगे, ये कहें, राइट, ये कहें। लेकिन जो एनसीईआरटी पढ़ने से भी अच्छे नंबर आएंगे ये भी नहीं, समझो एनसीईआरटी का ज्ञान जरूरी होना चाहिए, जैसे मैंने बोला लगता है मान नहीं रहे थे, एनसीईआरटी में देखोगे तो एक ब्लॉक बना हुआ है और उस ब्लॉक में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, एनसीईआरटी किसी के पास एनसीईआरटी तो उसमें ब्लॉक बने हैं, केवल ज्योग्राफी के बारे में कह रहा हूं, बाकी एनसीआर अच्छी नहीं रही है, ज्योग्राफी करने वाले थोड़ी कठिन करती है, लेकिन ठीक है उतने शब्द आपको आने चाहिए। पेज नंबर 90 देखोगे, पेज नंबर 90 प्लैंक का नियम बताता है, एक वस्तु जितनी गर्म होगी उतनी अधिक ऊर्जा का विकिरण करेगी और उसकी तरंग दैर्ध्य उतनी लघु होगी, है ना, स्पष्ट लिखा है, इसके मानने न मानने का कोई औचित्य ही नहीं, और सही लिखा है, सही लिखा है, एक आधी गलत लिखा है, यहाँ ये सही लिखा है। और उसके नीचे एक ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है विशिष्ट ऊष्मा कहलाई, ये सब जो छोटी छोटी चीजें आप देखते हो ना, ये छोटी छोटी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, ये स्टेटमेंट के रूप में आती है, बस इन सब पे अगर ध्यान दिए रहोगे तो ज्योग्राफी में तुम्हें किसी और चीज को पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि और कोई किताब है ही नहीं, आप तो पढ़ पाओ, ठीक है ना, जैसे लियो वगैरह सब बर्बाद हो गई, अंग्रेजी मीडियम में भी कुछ ऐसा नहीं है, है ना, तो आप बस एनसीईआरटी को थोड़ा सा फोकस किए रहोगे तो काम हो जाएगा, ठीक हो गया, इसमें चलिए उपरोक्त चित्र से यह स्पष्ट है, अभी कल समय चित्र बगल में बनाया तो लिख सकते हो बगलोक्त नहीं, जब उपरोक्त ना हो तो बगलोक्त क्या करोगे, जहां भी लिखा हो चित्र से स्पष्ट है, ऐसे कुछ लिखना मेरे बिल्कुल शब्द मत जाना, है ना, मैं मान के चला ऊपर बनाया आपने कहीं लिखा हो तो दिए गए चित्र से स्पष्ट है, ये भी आप लिख सकते हैं, अगर चित्र आपके पेज में ठीक ऊपर ना रहा हो तो ऊपर आ रहा हो तो उपरोक्त, है ना, तो सोच सर के शब्द को इस्तेमाल करना चाहिए, ये ध्यान रखना, जब भी उपरोक्त चित्र में तो आपका चित्र ऊपर ना हो तो उपरोक्त में काम नहीं चलेगा, है ना, तो दिए गए चित्र में आप यहाँ पे लिख सकते हो इस तरह, तो देखो उपरोक्त चित्र में 40 डिग्री नॉर्थ डैश 40 डिग्री साउथ, 40 डिग्री नॉर्थ डैश 40 डिग्री साउथ के मध्य ताप अधिकता की दशाएं निर्मित होती हैं, ताप अधिकता की दशाएं निर्मित होती हैं, जबकि इसके पश्चात तापमान न्यूनता की स्थिति पाई जाती है, न्यूनता की स्थिति पाई जाती है, पाई जाती है। अतः तापमान आधिक्य वाले क्षेत्रों को निरंतर गर्म जबकि ताप न्यूनता वाले क्षेत्रों को निरंतर ठंडे होते रहना चाहिए, उनका तापमान और गिरना चाहिए,
निरंतर ठंडे होते रहना चाहिए, किंतु किंतु ऐसा नहीं होता है, किंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्योंकि पवने क्योंकि पवने तथा महासागरीय धाराएं पवने तथा महासागरीय धाराएं उष्मा का स्थानांतरण करती हैं, उष्मा का स्थानांतरण करती हैं। अतः भूपृष्ठ पर उष्मा संतुलन स्थापन की क्रियाएं बनी रहती हैं। इसीलिए पवने और महासागरीय धाराएं उष्मा का इंजन कहलाती हैं। कोई बात है, तो ये जो एरिया है यह उष्मा आधिक्य का क्षेत्र है, यह उष्मा न्यूनता का क्षेत्र है। लेकिन अब ऐसे सोचें तो यहाँ का तापमान हर साल क्या होना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, यहाँ का और कम होते रहना चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा नहीं होता कि पवने और महासागरीय धाराएं चलती हैं और वो हीट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती हैं, जिससे फिर पृथ्वी की सतह पर उष्मा का पुनर्वितरण होता है और उष्मा संबंधी दशाएं स्थिर बनी रहती हैं, राइट। तो यह अक्षांशीय उष्मा बचत है और यह पवन और महासागरीय धाराएं इसलिए हीट इंजन कहलाते हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो यहाँ पर अगर लेट अस्यूम 40 डिग्री है और यह इधर 90 की तरफ 60 डिग्री है, तो यहाँ पर हीट बहुत कम, यहाँ पर हीट बहुत ज्यादा, तो ये वो अक्षांश है जिन्हें हम मध्य अक्षांश कहते हैं, जहां बड़े पैमाने पर उष्मा का क्या होता है, आदान प्रदान। क्यों? एक आधिक्य का क्षेत्र है और एक न्यूनता का क्षेत्र है, तो इन्हीं के बीच में क्या होगा? सबसे ज्यादा आदान प्रदान होगा और इन्हीं क्षेत्रों को हम मध्य अक्षांशीय क्षेत्र कहते हैं। मोटे तौर पर 0 से 30 निम्न अक्षांश, 30 से 60 मध्य अक्षांश, 60 से 90 उच्च अक्षांश, या 0 से 23.5, 23.5 से 66, 66.5 से 90, राइट। हम इसको मान लें तो सर्वाधिक जो हीट ट्रांसफर होती है वह इसी 50-60 डिग्री अक्षांश के बीच ऊपर से और नीचे से होती है। तो ये वो क्षेत्र है, ये वो क्षेत्र होगा जहां आगे देखेंगे कई तरह के साइक्लोन जनरेट होंगे, टेम्परेट साइक्लोन यहां पर जनरेट होंगे, यहां पर पछुआ बहुत तेज चल रही होगी, यहीं पर सबसे स्पष्ट जेट पवनों का क्या होगा, जेट धाराओं का क्या होगा, निर्माण होगा, जिन्हें आगे रॉस्बी वेव्स के नाम से जानेंगे। तो ये वो क्षेत्र है जहां कई महत्वपूर्ण मौसमी परिघटनाएं होती हैं जिनका संबंध उष्मा के स्थानांतरण से, हीट के ट्रांसफर से है। तो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र हीट के ट्रांसफर के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल क्षेत्र निर्मित हो जाते हैं। तो जब आगे आएंगे जहां पर टेम्परेट साइक्लोन वगैरह देखेंगे तो इसी के सहारे आपको देखना होगा कि वहां हीट का किस प्रकार ट्रांसफर होता है। ये हो गया अक्षांशीय उष्मा बजट। अब हम लोगों ने ये चीज देख ली है सूर्य तक और हीट बजट, उष्मा बजट। अब एक दो चीजें यहां पर और लग सकती हैं कि जब हमको पता है कि हीट मिल रही है तो ये हीट का मापन किसके द्वारा होगा? टेम्परेचर के द्वारा। और हीट कैसे मिल रही है? हीट सूर्य, पृथ्वी और वायुमंडल, इन तीनों के बीच होने वाली आपस की क्रियाओं का क्या है? परिणाम, यही तो आदान प्रदान हो रहा है। तो अब अगली संकल्पना आ जाती है हमारे पास कि पृथ्वी के, अगर ये अर्थ है तो पृथ्वी के विभिन्न भागों में तापमान का वितरण कैसा होता है, टेम्परेचर का वितरण कैसा होता है और इस टेम्परेचर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से प्रमुख फैक्टर्स हैं। तो हमने सूर्य तक देखा, सूर्य तक से हीट आ रही है, वो हीट अर्थ के विभिन्न स्थानों पर तापमान की दशाओं को क्या करेगी? निर्धारित करेगी। और तापमान जो होता है वह भूगोल में किसी भी क्षेत्र की मौसमी और जलवायु दशाओं को निर्धारित करने का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि टेम्परेचर से यहां पर एयर प्रेशर और एयर प्रेशर जो डिसाइड होता है एयर के ऊपर उठने और नीचे बैठने से, और इससे जो स्थानीय मौसमी दशाएं हैं वो निर्धारित होती है। इसलिए यहाँ टेम्परेचर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को निर्धारित करने। किसी वायुमंडल या किसी भी जगह पर तूफान निर्मित होंगे या नहीं होंगे, इन सबका सीधा संबंध वहां की तापीय दशाओं से होता है। देखने लिए वो तापमान की संकल्पना, तापमान पे चले हैं, मतलब पृथ्वी के वायु के तापमान संबंधित गुणों को देखेंगे। देखिए तापमान, महासागरीय धारा क्या होती है? महासागर का पानी जब चलता है ना तो उसे महासागरीय धारा कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लो यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे कोई महासागर है, तो इसका पानी ऊपर चलेगा तो यहाँ से हीट ले जाएगा, ऐसे आएगा तो यहाँ से हीट क्या करेगा, ले जाएगा। तो महासागरीय जल की जो 36 गति होती है, महासागरीय जल की 36 गति जो होती है उसे हम धारा कहते हैं। धीमे होती है प्रवाह, बहुत तेज होती है, स्ट्रीम कही जाती है। आगे देख लेंगे, अगले सकता हूँ। देखो यहाँ पर तापमान में दो ही चीज हमें देखनी है, एक चीज देखनी है परिभाषा और दूसरा देखना है एक्चुअली तीन चीज देखनी, परिभाषा फिर तापमान, किसी भी स्थान के तापमान क्या करना, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, एक चीज और देख लेंगे तापमान विसंगति, तापमान विक्रम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, तापमान विसंगति और फिर इसके बाद समताप रेखाएं, ये एक के साथ एक जुड़े हुए टॉपिक है। परिभाषा, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, तापमान विसंगति और समताप रेखाएं, पीटी एज वेल एज मींस, दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी लेवल पे पूछ सकती है, लो लेवल से लेकर आगे के लेवल तक, जहां तक पूछ सकती है। इसमें एनसीईआरटी से लेकर कुछ फील्ड तक शामिल होता है, कुछ फील्ड काफी बेहतर आपके माने जाते हैं,
वायुमंडल के संदर्भ में, जलवायु विज्ञान के संदर्भ में, राइट। टेवाथा वगैरह पढ़ने को आपको जरूरत नहीं है, तो वो ऑप्शन का मिलता है, तो वो वहां भी पढ़ता होता है, राइट। तो यहाँ पर आप समझिए कि बिल्कुल एनसीईआरटी से लेकर फिश फील्ड तक का सारा कॉन्सेप्ट आपके पास मौजूद है। बस आपको एक काम ही करना है, इसको समान लेना है, क्रम बनाए रखना है, ये ना समझना कि कौन सी चीज कहां से आई जा रही है, राइट। एक टॉपिक पढ़ा, टॉपिक के सारे पॉइंट देखे, फिर उनको संक्षिप्त किया, उनकी समरी अपने दिमाग में बनाए रखी। जैसे कुछ किताबें देखोगे या जैसे इतिहास वगैरह स्पेक्टर वगैरह पढ़ते होगे, तो पूरे चैप्टर के बाद लास्ट में एक बॉक्स में क्या है, सारी घटनाएं होती है ना। तो वो इसलिए जरूरी है कि जब आप जल्दीबाजी में हो तो ओवरऑल पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते, उसी को क्या करो, रिवाइज करो। तो ये आपका कभी काम आएगा सारा, जब मैंने ये बातें जो मैंने आपको बताई है, यहाँ सेंट्रल आइडिया वहाँ पे आप लिख लो, नहीं लिखो तो बाद में समेटना मुश्किल हो जाए, बताया क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है, और जो पढ़ जाने हमें समय नहीं पा रहे हैं, इधर समय उधर निकल जाना, उधर निकल जाना है ना। लेकिन समय जब आप बना लेंगे थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, बहुत जल्दी रिवाइज होता है। तो परिभाषा तापमान को प्राप्त करने वाले कारक तापमान विसंगति और समताप रेखाएं। अब देखो यहाँ दो चीज पहले समझ लिखना, कुछ नहीं है, पहले सूर्यातप हो गया एक, और दूसरा हो गया सूर्यातप, सूर्य से आने वाला लघु तरंग दैर्ध्य विकिरण, ठीक। तापमान क्या है, यहां पर अर्थ है, और जब अर्थ पार्थिव विकिरण का दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में निष्कासन करती है, तब वायुमंडल द्वारा यह अवशोषित होता है, और इसके द्वारा जो वायुमंडल में हीट पहुंचती है वही इसका क्या है, तापमान, इस क्षेत्र का तापमान। अगर आपको किसी क्षेत्र का तापमान निकालना, मान लो सूर्य का तापमान निकालना, तो कहां थर्मामीटर लगाओगे, मतलब छत पर लगाओगे, जमीन पर लगाओगे, किस कोने में लगा दोगे तापमान आ जाए, तो सतह पर लगाना तो पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी क्षेत्र में एक घन मीटर वायु, किसी भी क्षेत्र में एक घन मीटर वायु, 1 मीटर × 1 मीटर × 1 मीटर, किसी क्षेत्र में एक घन मीटर वायु का जो तापमान होता है वह उस स्थान के तापमान को प्रदर्शित करता है, जो कि पार्थिव विकिरण का परिणाम होता है, पार्थिव विकिरण का परिणाम होता है। सतह गर्म होगी और फिर उसके बाद हीट छोड़ेगी, उससे वहां की वायु गर्म होगी, और जो एक घन मीटर वायु का वहां तापमान है वही तापमान उस जगह का तापमान है। इसलिए आप देखोगे टीवी वगैरह बोलते हैं आज यहाँ दिल्ली का अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, तो जो अधिकतम तापमान आते हैं ना, जैसे 12 बजे सूर्य की किरणें सीधे पड़ रही तो अधिकतम तापमान 12 बजे होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है, क्योंकि 12 बजे वाली धूप को तो अभी अर्थ क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, राइट। और जब ये एब्जॉर्ब करके अर्थ छोड़ेगी और वायुमंडल से अवशोषित करेगा, तब जाके वो गर्म होगा, और जब गर्म होगा तब वहां का तापमान उतने डिग्री सेंटीग्रेड होगा, इसलिए 12 बजे नहीं 2 बजे, 2 PM। किसी स्थान का अधिकतम तापमान कभी क्या होगा, 2 PM, और न्यूनतम तापमान बोले जब सूर्यास्त हो जाए तब नहीं हो पाएगा, क्योंकि वायु जो है कंबल की तरह काम कर रही है, तो उसने हीट को क्या रखा है, संग्रहित, आ जाने देगी पर आसानी से जाने देगी, नहीं तो पृथ्वी का तापमान गिर जाएगा। तो यह रखे रहती है करते करते सुबह के 5 बज जाते हैं, और तब जाके उस क्षेत्र का न्यूनतम तापमान कभी क्या होता है, सुबह 5 बजे, 5 AM, राइट। तो यहां पर अगर किसी भी जगह का तापमान अगर आपको मापना है, बताना है, तो किसी भी जगह का तापमान वहां के एक घन मीटर वायु के तापमान के समतुल्य होता है, ठीक है। इसमें कुछ बताए, पृथ्वी का वायुमंडल सूर्यातप के बजाय पार्थिव विकिरण द्वारा अधिक गर्म किया जाता है। वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्यातप की अन्योन्य म्यूचुअल एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया द्वारा जनित उष्मा तापमान के रूप में मापी जाती है। किसी भी स्थान का तापमान वहां की एक घन मीटर वायु के तापमान के समतुल्य होता है। भूपृष्ठ पर तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाली प्रमुख कारक निम्नलिखित है। अब क्या दोनों वेरिएशन देखने पड़ते, स्थानिक भी और कालिक भी। स्थानिक का मतलब स्थान पर, और कालिक का मतलब समय पर। तो जैसे अगर किसी भी स्थान के तापमान को प्रदर्शित करना हो, या पृथ्वी पर कहीं भी कोई तापमान प्रदर्शित करना हो, तो उसके लिए अक्षांश रेखाएं सबसे अच्छा आधार है। क्यों? क्योंकि अगर किसी अक्षांश रेखा पर सूर्य की किरणों का जो कोण है, वह कोण उस अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों पर बनेगा। उस अक्षांश पर जो भी स्थान है वहां सूर्य की किरणों का कोण क्या होगा, समान होगा। इसलिए उस अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों का तापमान क्या होना चाहिए, एक समान। लेकिन व्यवहार में नहीं मिलता है। इवन तो कई बार अलग अलग अक्षांशों पर स्थित स्थानों का तापमान क्या है, सेम हो जाएगा। तो एक ही स्थान पर स्थित स्थानों का तापमान, विभिन्न स्थानों पर स्थित स्थानों का तापमान, इन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि इसी से हमको पता चलेगा कि पृथ्वी पर जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है वह किन कारकों द्वारा निर्धारित होता है। और हमको जब कारक पता चल जाएंगे, तो हम किसी क्षेत्र के होने वाले मौसमी परिवर्तनों की और बेहतर व्याख्या भी कर पाएंगे, और उनकी भविष्यवाणी भी कर पाएंगे।
हमें कैसे बता देते हैं कि भाई यहाँ पर वर्षा आज होगी, कल होगी, परसों होगी, ऑरेंज अलर्ट हो जाता है। आप देखते हो अलर्ट हो जाता है, ये सारा ये किस आधार पर हो पाता है? ऐसे आधार पर हो पाता है कि हम वहाँ के तापमान और उनसे जुड़े अन्य पैरामीटर की भविष्यवाणी करने में क्या है, सक्षम हो जाते हैं। राइट, अमूमन ठीक होता है, कई बार ठीक नहीं होता, क्योंकि कई ऐसी स्थानीय दशाएं भी होती हैं जो कई बार बड़ा परिवर्तन ला देती है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करें, जिससे हम ये पता रहे कि विभिन्न स्थानों और एक ही अक्षांशों के स्थित स्थानों के तापमान में इतना अंतर अथवा समानता क्यों पाई जाती है। तो जब भी हम तापमान देखते हैं, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला फैक्टर क्या हो जाएगा? अक्षांश, क्योंकि अक्षांश के सहारे ही सूर्य की किरणों के आपतन कोण की क्या है व्याख्या की जा सकती है। राइट, दूसरी महत्वपूर्ण चीज हो जाती है उत्तुंगता। उत्तुंगता का मतलब होता है एल्टीट्यूड, ऊंचाई, सी लेवल से ऊंचाई, इसे एल्टीट्यूड कहते हैं। उत्तुंगता फिर है जल स्थल का स्वभाव। जल स्थल का स्वभाव फिर है यहां पर सागर तक से दूरी। सागर तक से दूरी फिर है सतह का स्वभाव, इसे आप एल्विडो के रूप में ले सकते हैं। सतह का स्वभाव इसे आप एल्विडो के रूप में ले सकते हैं। पवने, इसे आप वायु सहमत या वायुराशि भी कह सकते हैं, आप पवने कहें वेट्स। नेक्स्ट है महासागरीय धाराएं। नेक्स्ट है स्थानीय मौसमी दशाएं या वायुमंडलीय दशाएं, इसमें लिख लो वायुमंडलीय दशाएं, बादल है या नहीं है क्या है, वायुमंडलीय दशाएं। और फिर इसके बाद है खाल विन्यास। एक कुछ चीजें वहां से काम कमन होंगी, कुछ चीजें अलग होंगी। अक्षांश, उत्तुंगता, जल स्थल का स्वभाव, सागर तट से दूरी, सतह का स्वभाव, पवने, महासागरीय धाराएं, वायुमंडलीय दशाएं और ढाल विन्यास, इतने फैक्टर्स हैं जो किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। तो कल कैसे देखें, कल स्टार्ट से कोई स्टार्ट करें तो वही होगा, कल देखते।